ठीक है, उसके ऊपर भी हम आने वाले सेशंस में बहुत बात करेंगे कि एक हर एक ऑर्गन के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है, ऑर्गन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और उसके क्या क्या माइन्यूट फीचर हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करेगा लीवर। मान के चलिए ये दो दरवाजे हैं, और जब हम आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे लीवर को इस तरीके से काम करेगा, तो हमारे लीवर से प्रोटेक्ट करने का काम करेगा इस तरीके से। तो एक डोर तो ओपन है, तो लीवर काम करेगा उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करने का। तो हमारे बॉडी को जरूरत है 50 मिलीग्राम्स, हम किसी भी मेडिकेशन की बात करें 50 मिलीग्राम्स, बट वो प्रोटेक्ट तो हमारे लीवर ही कर रहा है उसे, तो हमें दी जाती है 100 मिलीग्राम, 100, क्योंकि 50 तो इसने लीवर ने रोका, तो रिमेनिंग जो 50 है वो बायपास से बॉडी के अंदर आता है। तो समझ रहे हैं आप, इसीलिए एलोपैथिक इंडस्ट्री के हमें साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, बिकॉज सैचुरेशन हमारे बॉडी के अंदर उसका होता है इन टर्म्स ऑफ लीवर। और जब भी हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो हमारे बॉडी को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होती, तो हमारे लीवर सबसे पहले खराब होने लगता है, हमारे लीवर सबसे पहले उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, खराब करेगा। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बॉडी को ओवरकम करने के लिए। तो नया दौर जो आया वो आया आयुर्वेदा। कोविड ड्यूरेशन के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने हाउस होल्ड रिमेडीज की हैं कोविड से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। तो उसके अंदर और कुछ साइड इफेक्ट्स हमें देखने मिले, हीट का जनरेशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारे लोगों को पाइल्स रिलेटेड तकलीफ आई, बहुत सारे लोगों की एसिडिक कंडीशन बढ़ी, तो इसके एन नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स भी हमें मिले। तो इसका मतलब क्या है कि आयुर्वेदा या फिर हाउस होल्ड रिमेडीज खराब है? बिल्कुल भी नहीं। हमें ये पता नहीं था कि कौन से इंग्रेडिएंट्स को कितनी मात्रा में किस कॉम्बिनेशन के साथ लेना चाहिए। तो इसीलिए आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम यहाँ जानकारी लेंगे जो हमारे शरीर के अंदर शानदार तरीके से काम करता ही है, जो हमारे हर सेल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी करता है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये एक प्रोडक्ट आपके ब्रेन रिलेटेड सेल्स को भी जो न्यूट्रिशन लगती है उसे ओवरकम करेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। मेटाबॉलिकल ट्रैक के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो भी देने का काम करेगा। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट आपके सामने है जो हमारे एंटायर बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। तो हर एज के हिसाब से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग रहेगी, सही है? हम जिस प्रोसेस के अंदर काम करते हैं, जिस फील्ड के अंदर काम करते हैं, उस फील्ड की भी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ प्रोफेसर काम करता हूं, तो मुझे बोलने की ज्यादा आदत, मुझे मेरा जो वर्किंग है वो टॉकिंग का है, लेक्चर देने का है। हम रशीद सर की बात करेंगे तो ट्रैवलिंग भी है, बात भी करना है, बॉडी लैंग्वेज भी मेंटेन करनी है, फिजिकल वो भी चीजें हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। तो अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स को भी किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा, तो इस प्रोडक्ट के जरिए हम वो बहुत शानदार तरीके से करते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ मार्केट की जो मिसिंग थिंग थी उसको ओवरकम करने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, न कि ऑर्गेनेल्स, जो सिस्टम्स हमारी बॉडी की हैं, इन 11 अलग अलग सिस्टम्स को ही मद्देनजर रखते हुए हमारा पूरा शरीर बनता है। ये जो सेंटर का आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा शरीर है, और हमारा पूरा शरीर ये 11 अलग अलग सिस्टम से बनता है, जिसके अंदर सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एंडोक्राइन है, स्केलेटल है, मस्कुलर है। ये पूरे 11 सिस्टम्स इकट्ठा अगर हम कर दें, सही अमाउंट में अलाइन कर दें, तो हमारा पूरा शरीर बनता है। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारे इस 11 सिस्टम्स में कोई एक सिस्टम के अंदर अगर बिगाड़ आ जाए, तो क्या हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं रह सकता, बिकॉज हर सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट। जैसा आप सभी लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने गेन की है, रखते भी हैं, तो उसी की बात करते हैं। क्या ब्लड का सर्कुलेशन अगर ठीक तरीके से ना हो तो हार्ट पंपिंग अच्छी तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन अगर ठीक से ना हो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन बनती रहेगी बॉडी के अंदर, बिकॉज ब्लड ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करेगा। बिकॉज ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कंबाइंड तरीके से काम लेकर घूमते हैं, और दो हीमोग्लोबिन को चार फेरस मॉलिक्यूल लेकर घूमते हैं। तो अगर सर्कुलेशन, ब्लड की बात करेंगे, अगर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। ऑक्सीजन अगर कम कैरी किया जाएगा तो कैरी करेगा काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन की भी कमी महसूस होगी। और हीमोग्लोबिन को लेकर घूमने का काम कौन कर रहा है शरीर के अंदर? फेरस आयन। तो आयन की भी कमी हमारे बॉडी के अंदर महसूस होगी। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर कम होंगे तो इसके जो इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी के अंदर कम होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी कम मिलेगी। जो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिक ऑर्गेनेल है जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, और उस एटीपी के प्रोडक्शन के अंदर वन ऑफ द सब्स्टिट्यूट इज ऑक्सीजन, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन वहां पे होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का है। हमारे बॉडी के अंदर दूसरा कोई बायोमोलिक्यूल नहीं है जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए, और इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लगता है। ऑक्सीजन का दूसरा और कोई काम नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। अगर मैं पोटेंट बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे फीचर उसके हैं, तो मैं थोड़ा सा डेप्थ की बात कर रहा हूं कि एक्चुअली ऑक्सीजन का क्या काम है। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम ऑक्सीजन कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज जो हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डैमेज करने का काम करेंगे, तो उसको ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लगे, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले। तो मैं सिर्फ ब्लड की बात करूं, उसके सर्कुलेशन की बात करूं, तो ये सारी दिक्कत आएगी। सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होना, ये हमारे पूरे सिस्टम को अच्छा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ब्लड अगर ज्यादा थिक है, ब्लड अगर डायलेशन नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर तरीके से, तो सर्कुलेशन क्या किस तरीके से किया जाएगा? नहीं होगा। तो सर्कुलेशन को ठीक तरीके से करने के लिए भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई एक सिस्टम भी खराब हो जाए तो बाकी सिस्टम्स के ऊपर उसके अफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। तो क्या अब तक हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट मिला है जो हमारी हर सिस्टम को शानदार तरीके से मेंटेन कर पाएगा? बिकॉज बॉडी के अंदर अगर कोई सिस्टम काम कर रही है तो उसको काम करने के लिए अलग अलग टूल्स लगेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं और बहुत अच्छी नींद अगर आपकी हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप एनर्जेटिक फील करते हैं उठने के बाद। आपने कोई चीज खाई नहीं है, आपने मेडिसिन नहीं ली है, आपने वर्कआउट नहीं किया है, आप घूमने के लिए नहीं गए, फिर भी आप एनर्जेटिक क्यों महसूस कर रहे हैं? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर एक छुपा हुआ डॉक्टर है जिसे हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं। तो सेल्फ हीलिंग करने के लिए कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रेन को अगर हील करना है तो सोडियम लगेगा, पोटेशियम लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा, कैल्शियम लगेगा। अगर ये बॉडी के अंदर कम मात्रा में रहेंगी तो किस तरीके से आपका ब्रेन बहुत काम करने के लिए तैयार रहेगा? वो 100% डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर काम करेगा। समझ रहे हैं आप? तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की अलग अलग है और बहुत जरूरी है कि हम हमारे बॉडी को किस तरीके से न्यूट्रिएंट देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए। तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे बॉडी के 11 सिस्टम की बात करेंगे जो 11 सिस्टम हमारे पूरे शरीर को बनाने के लिए मददगार है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को समझने का प्रयास करिएगा। तो देखते हैं न्यूट्रासिटिकल्स को मेडिकल लैंग्वेज में क्या क्या कहा जाता है। न्यूट्रासिटिकल नॉन स्पेसिफिक थेरेपी के अंदर आता है, जैसे सागर सर कहते हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपी है, तो यस दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी जो हमारे बॉडी को हील करने का काम करता है। प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड जनरल वेलबींग, ये न्यूट्रासिटिकल का एम है कि ये हमारे बॉडी किस तरीके से काम किया जाए। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल का अगर मतलब देखा जाए तो वो डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं मेडिसिन के तहत दवाइयों के साथ। दवाइयां ऐसी जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी, तो उसे हम कहेंगे न्यूट्रासिटिकल। तो स्पेलिंग मिस्टेक वहां पे है। नेक्स्ट वन है फार्मा फूड। न्यूट्रासिटिकल के ये अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो मैं बता रहा हूं। फार्मा फूड फूड ही है, हम जो खाना खाते हैं वही खाना हम खा रहे हैं, अलग तरीके से खा रहे हैं, बट जो हमारी बॉडी की फुलफिलमेंट कर रहा है और वो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद काम वो इस तरीके से कर रहा है एज लाइक ए मेडिसिन, इसलिए इसे फार्मा फूड भी कहा जा सकता है। और लास्टली पोस्ट कोविड की अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पीपल ऐसे बने हैं कि जो खुद का ख्याल रखना चाहते हैं कंट्रोल मैनर में, चाहे वो हेल्थ की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे और कोई चीज हो, हर कोई खुद के ऊपर ध्यान देना अभी शुरू कर रहा है, शुरू कर भी दिया है। दैट इज अ पोस्ट कोविड सिचुएशन। तो ये फार्मा फूड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, इसे हम सिंपली न्यूट्रासिटिकल के तहत भी आगे रिकमेंड करेंगे। अभी देखते हैं
ईबैटेरियम के प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हुआ है, इसके क्या क्या फीचर्स हमारे बॉडी के अंदर मिलेंगे हमें। तो सबसे पहला फीचर है एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा चलती है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑलमोस्ट 1000 से भी ज्यादा जगहों पे देखने मिलती है, 1000 प्लस उसके अलग अलग रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर है। कुछ रिएक्शंस बेनिफिशियल है, कुछ रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर डैमेज करने का काम करती है, और जो इनवॉलेंट्री है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो एटोमेटिक सिस्टम के अंदर चलते रहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज जैसा हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, जहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी माने हमारी बॉडी की एनर्जी, जो भी चीज हम खाते हैं एनर्जी के अंदर बनने के लिए वक्त लगता है। तो इस प्रोसेस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज यूज किया जाएगा एनर्जी को बनाने के लिए। ऑलमोस्ट 38 एटीपीज बनती है 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो ये जो एटीपी बनाने का जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन का ही माइग्रेशन होता है वहां पे, और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो होता है ऑक्सीजन। तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और वाटर का स्प्लाइसिस होता है, वाटर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कुछ हमारे काम का है, कुछ हमारे नुकसान करने का काम करता है, और जो नुकसान करने का काम होता है वहां पे OH- मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, अनदर पार्ट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। जहां पे ऑक्सीजन रिएक्शन के अंदर आ रहा है और कोई प्रोडक्ट बना रहा है उसे हम कहेंगे सिंपली ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे दो रिएक्शन बनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद O- बना, वो एक हमारे बॉडी के अंदर डैमेज करेगा, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस ROS जिसे हम कहते हैं, और दूसरा बना वाटर स्प्लिसिस, स्प्लिटिंग होने के बाद OH- आयन, वो भी इस तरीके से काम करते हैं हमारे बॉडी को डैमेज करने का, जिसे भी हम रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसिस कहेंगे। तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें लगते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो अभी समझते हैं कि रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसिस क्या काम करेंगी। ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एक कार का, जो मेटल से बनी है, जो हमारे बॉडी के अंदर भी है, ब्लड के अंदर है, दैट इज आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रस्ट हुआ है, ये कार जो है ये रस्टिंग फेज में है, बिकॉज मेटल है, आयन है उसके अंदर, ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से आ रहा है, और बारिश अगर हो जाए वाटर, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जब भी होगा तब वहां पर रस्टिंग मैकेनिज्म शो होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, ऑक्सीजन के बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, और ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन को ही घुमाने का काम कर रहा है आयन। तो क्या हमारी बॉडी भी अंदर से रस्ट होती है इस तरीके से? डेफिनेटली होती है। तो ये हमें उसके सिम्टम्स क्यों नहीं दिखते जो इस कार को हम देख पा रहे हैं? ऐसे सिम्टम हमारे बॉडी के अंदर हमें क्यों नहीं दिखते? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर डाइट के जरिए एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। हमारी बॉडी भी एंटीऑक्सीडेंट्स को बनाती है, उतनी पोटेंट मात्रा में नहीं बना सकती, इसलिए बाहर से भी हमें उसको लेना पड़ता है। तो हम जब बाहर से भी लेते हैं तो वो कॉम्पेंसेट करती है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। वो भी देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी इस तरीके से है, माचिस की एक तीली के जैसा, स्टिक के जैसा, जो बर्न होती है और लास्टली इस तरीके से बनती है, दैट इज ये पोटेंट एग्जाम्पल है हमारे बॉडी के अंदर रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसिस किस तरीके से वर्क करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम लें तो इसे थोड़ा बहुत रिवर्ट हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। जैसा हमने यहाँ पे दिया है कि मुक्त कण जो रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसिस है वो ल्यूटर की तरह है, उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में AK-47 दी जाती है, और उसे कहते हैं कि टारगेट को हिट करें। तो उनको अगर टारगेट ही नहीं दिख पा रहा है तो वो 100% सभी जगहों पे गन का फायरिंग करती रहेंगी। तो हमारे जनरल सेल्स भी खराब होती हैं उसी वजह से। तो उसे ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। किस तरीके से? तो ये जो नीचे हमने दिया है हाउ एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क्स, तो लेफ्ट एंड राइट दो अलग अलग हमने यहाँ पे पार्टीशन दिया है, होप यू कैन सी इट। तो जब फ्री रेडिकल्स जो है, जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस भी हम कहते हैं, तो फ्री रेडिकल्स बनते कहाँ कहाँ से? जैसा हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन के जरिए बनते ही है, उसके और भी क्या रीजन है? तो सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, केमिकल एंड रेडिएशन। इन चारों चीजों के वजह से भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस बनती है या फिर फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, जो डैमेज करने का काम करते हैं हमारी सेल को। और एंटीऑक्सीडेंट्स आने के बाद इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस या फिर फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करने का काम करते हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स को स्कैवेंजर्स कहा जाता है फ्री रेडिकल्स का। थोड़ा सा और डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जहां से इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से है,
रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसिस कब बनेगी, जब एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग हो जाएगा, तो उसके अंदर का जो लास्ट ऑर्बिट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का लास्ट ऑर्बिट, वहां पर दो इलेक्ट्रॉन या आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको स्टेबल करने, टू इलेक्ट्रॉन्स और एट इलेक्ट्रॉन्स, ये दो ही मैकेनिज्म है किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। अगर हम ये मान के चले कि आठ थे और सात हुए हैं, तो वो कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल के अंदर, बिकॉज उसको उसे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हर जगह पे जाके डैमेज करने का काम करेगा, पंच करेगा इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिला, दूसरी जगह पे जाके पंच करेगा इलेक्ट्रॉन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और जगह पे जाके पंच करेगा, तो जहां पर जाके वो पंच करेगा वहां पे नुकसान करेगा। तो फ्री रेडिकल्स इस तरीके से काम करते हैं। एंटॉक्सिडेंट क्या करेंगे, उनके पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके लास्ट ऑर्बिट में, तो ये एंटॉक्सिडेंट आ गया, उसने अपने तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। फ्री रेडिकल का क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटॉक्सिडेंट ने दे दिया, फिर से ये जो डैमेज वाला पार्ट था वो फिर से बन गया स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, हर सेकंड में ये होता है, इसके भी एन नंबर ऑफ रीजंस हमारे बॉडी के अंदर है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेना रहना हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स के और क्या क्या काम है, थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी, इसे थोड़ा सा साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, या फिर फ्री रेडिकल्स क्या काम करते हैं, तो थोड़ा सा जनरलाइज बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बने हैं, ये जो स्टार दिख रहे हैं आपको, दीज आर द फ्री रेडिकल्स रिएक्ट ऑक्सीजन स्पेसिस, जो इम्बैलेंस फैलाने का काम करेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर यूबिक्विटिनाइजेशन एक रिएक्शन होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के एंड में यूबी 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 ये मॉलिक्यूल्स लगभग 12 से ज्यादा अगर आ जाए, 12-15 से ज्यादा, तो वो एक सिग्नल मिलता है हमारे ब्रेन को कि ये सिग्नल इस तरीके से, अगर पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि जिस मॉलिक्यूल को ये यूबी मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं उसे कट करना है, ये बॉडी के अंदर की लैंग्वेज है। तो ये लगाने का जो जरिया है वो खत्म हो जाता है फ्री रेडिकल्स आने के बाद, तो जो डैमेज होना था, जिसे मार देना चाहिए था वो नहीं मर रहा है, और जो जनरल है जिसे जीना चाहिए था उसे पॉली लगाकर उसे मार दिया जा रहा है, तो ये होता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन्स को एज इट इज मेंटेन करते हैं या फिर बनाते हैं, और न्यूरो डिग्रेडेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो अगर एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के अंदर आए तो क्या होगा, देखें यहाँ पे मैंने बोला है कि पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन होगा, एबनॉर्मल प्रोटीन ये है, और इस एबनॉर्मल प्रोटीन को यूबिक्विटिनाइजेशन के जरिए कट कर दिया जा रहा है और फिर ये पॉलीयूबी फ्री हो जाए। तो यहाँ पे स्ट्रेस को मेंटेन किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, हेल्दी स्टेट को मेंटेन किया जाएगा, और जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स है उनका फॉर्मेशन बंद किया जाएगा, और फॉर्म हुए भी है तो उस एबनॉर्मल प्रोटीन्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को पॉलीयूबिक्विटिनाइजेशन मैकेनिज्म के जरिए कट किया जाएगा, जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ डैमेज ना करेंगे, और न्यूरो प्रोटेक्शन यहाँ पे किया जाता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है ब्रेन को लेते हुए, बिकॉज आज के डेट में जो जितने भी डिसीज डिसऑर्डर्स हम देखते हैं न्यूरो रिलेटेड बहुत ज्यादा, बिकॉज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब चीजें पहले तो बहुत कम थी, 10-20 साल पहले की अगर हम बात करें, आज बात करें तो स्कूल के बच्चों को भी डिप्रेशन है, स्कूल के बच्चों को भी न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है, और हम तो ऑन फील्ड काम करते हैं तो हमें भी इसका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो इसलिए एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऐसे कौन से खास इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी शो होती है, लगभग 30 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत शानदार मात्रा में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट हमने दिए हैं, मेरे ख्याल से इसको अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 99% पहचान पाएंगे कि ये क्या क्या है, मखाना, आलमंड, दालचीनी, कोकोनट, खजूर एंड अदरक, जिंजर हमने यहाँ पे रखा है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल रखते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, और इसे छोड़ते हुए और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, और कॉम्बिनेशन वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। देखिए अगर हम सिर्फ टोमेटो खाएंगे उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है, अगर हम विटामिन सी वाले फूड्स खाएंगे उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हम क्या कहते हैं कि स्किन को अगर अच्छा रखना है तो विटामिन सी का इस्तेमाल करिएगा, विटामिन ई का इस्तेमाल करिएगा। अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको दे जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं, कॉम्बिनेशन के तहत ये काम कर रहा है, आपके स्किन को जो चाहिए वो भी मिल रहा है, आपके हेयर को चाहिए वो भी मिल रहा है, आपके डाइजेशन को जो चाहिए वो भी मिल रहा है, अगर हम कॉम्बिनेशन के तहत काम करेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए कोई
और एक स्टार्टर मॉलिक्यूल लगता है, जैसा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर देते हैं ना, उसका बाद में कोई काम नहीं है, एक बार इग्निशन हमने दे दिया, स्टार्ट कर दिया, गाड़ी शुरू हो गई, तो उसके बाद चाबी की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्ट करने के लिए, ऑटोमेटिकली गाड़ी भागेगी। तो ऐसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर की जरूरत है। और हम अगर जब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे ना, तो वहां पे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल भी आता है, वहां पे एक्टिवेटर मॉलिक्यूल भी आता है, ये दोनों काम करेंगे तो एक्टिवेट वो जो मॉलिक्यूल है जो काम करना है वो एक्टिवेट भी होगा और शानदार तरीके से काम भी करेगा। तो कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म बहुत शानदार तरीके से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये बताते हुए बहुत मुझे खुशी होती है कि ई बायोटोरियम हिबारिस मोर पावर ये जो प्रोडक्ट है ये कॉम्बिनेशन थेरेपी के तहत बहुत शानदार तरीके से काम करता है। दूसरा फीचर देखते हैं हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जो लगभग मेरा खुद का यह मानना है और ये रिसर्च ये कहता है कि आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हम सुनते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, उनमें से 90% से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स ये कैटेगरी के अंदर आती है, दैट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। इसका मानना यह है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को फॉरेन पार्टिकल समझ के फाइट करने लगता है। इम्यून सिस्टम को यह पता नहीं है कि यह हमारी सेल है या फॉरेन पार्टिकल है। जैसा कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ जाए, कोई वायरस बॉडी के अंदर आ जाए, मैं अभी सांस ले रहा हूं, आप भी सांस ले रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के अंदर के बैक्टीरिया वायरसेस आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं अभी, या फिल्टर लगा हुआ है? डेफिनेटली बॉडी के अंदर जा रहे हैं। हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि वो बायफर्गेट कर सकती है कि इसके अंदर से हमें ऑक्सीजन लेना है, ये बैक्टीरिया आया है, इसे हमें बॉडी के बाहर निकाल देना है, तो ये उसके ऑटोमेटिक मैकेनिज्म चलते रहती है। अगर हम बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम का ये मैकेनिज्म ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, बाहर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो अंदर डैमेज करेंगे ही, और ऑन करने के बजाय ये इस तरीके से ऑन हो गया कि ये बैक्टीरिया को अपना मानने लगा और बॉडी के जो सेल्स है उन्हें फॉरेन पार्टिकल मानने लगा, उसे बैक्टीरिया समझने लगा। तो अभी क्या होगा कि जनरल सेल्स को भी ये मारने का प्रयास करेगा, काम करेगा। और ये जो मिसलीडिंग है ना, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारी इम्यून सिस्टम की, वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से है। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो एटमॉस्फेयर, हम जो फूड इंटेक करते हैं वो फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग है जो एटम डिसऑर्डर को शो करते हैं, बट द मेन सोर्स इज न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी के अंदर फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो देखते हैं इसके अंदर भी क्या क्या चीजें हम बताते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एटम डिसऑर्डर का, वो है हमारे हार्ट को लेते हुए, दैट इज जॉइंट सेल मायोकार्डिटिस। ये एक ऐसा है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम इस प्रोडक्ट जब भी इसका प्रेजेंटेशन हम देंगे ना, तो इस तरीके से देंगे कि नॉर्मल चीजें भी हमें अगर समझ में आ जाए इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो हम हमारी घर की जो हेल्थ है उसे अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। जब कोई रिपोर्ट, क्लिनिकल रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो हम ये समझ पाए कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या दिया है और ये किस वजह से हुआ है। अगर 1% भी अगर हम समझ में आना इस चीज को, तो हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से और बेटरमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। देखिए ये जो लेफ्ट वाला हार्ट है ना वो नॉर्मल है, राइट वाला जो हार्ट है वो डैमेज हुआ है, जिस जो एक डिसीज को शो करता है, जॉइंट सेल मायोकार्डिटिस। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मेरा कर्सर आई होप दिख रहा है, यस, ये जो सेल वॉल दिख रही है, सेल वॉल नहीं, ये जो वॉल दिख रही है ना, इनर वॉल, ये बहुत ज्यादा मोटी है, देखिए है ना, थोड़ी सी थिक है। तो यहाँ पे देखिए वो बहुत छोटी बनी है, यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा सा एनलार्ज किया तो इस तरीके से इतनी मोटी है, और यहाँ पे देखेंगे तो थिन हुई है। तो अगर पंपिंग कैपेसिटी जहां पे पंप होता है वो कैपेसिटी को अगर हम कम कर देंगे तो जो ड्रॉबैक हार्ट को मिलेगा, वन ऑफ द एग्जांपल हम यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं जो शो करते हैं हमारे बॉडी के अंदर एटम डिसऑर्डर को, ब्रेन से लेके फुट तक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स अंडर कैटेगरी दी गई है एटम डिसऑर्डर। और नया रिसर्च यह कहता है कि टाइप 1 डायबिटीज, जिसे हम अब तक इनहेरिटेड कहते थे, इनहेरिटेड था वो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता था, वो भी कैटेगरी के अंदर आया है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर। और जहां तक हमारे रिसर्च है तो ऑलमोस्ट हर तरीके के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को रिवर्ट किया जा सकता है, यस, हर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्ट किया जा सकता है। क्या आप ये मानते हैं कि अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर आप रहोगे, फुल ऑफ नेजेंट ऑक्सीजन आपको मिलता रहा, जीरो पोल्यूशन है, एकदम फ्रेश एटमॉस्फेयर है, एकदम ताजी सब्जियां आप खा रहे हैं, अच्छे फ्रूट खा रहे हैं, सीजनल फ्रूट खा रहे हैं आप, ये सब चीजें अगर आपको दी जाए 6 महीने के लिए वहां पर रखा जाएगा, तो क्या आपका
बॉडी, आपकी सेहत अच्छी बनेगी, डेफिनेटली अच्छी बनेगी। हमारे बॉडी को चाहिए तो वही ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसे रिवर्ट किया जा सकता है। और बताते हुए फिर से और खुशी होगी कि हिबारिस मोरपारी जो प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एटोम डिसऑर्डर के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कंफ्यूजन, ये एक बेस्ट एग्जांपल है एटोम डिसऑर्डर का, जो पहले कुछ कम लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते थे, बट आज इसका भी बहुत लैकिंग देखने मिलता है, चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे चाहे हम फिर किसी प्रोफेशन की बात करेंगे। अगर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, थोड़ा बहुत होना दैट इज गुड, बहुत ज्यादा मात्रा में हर तरीके से हर चीज के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम एटम डिसऑर्डर। उसी के साथ साथ लीकी गट, किडनी, हार्ट, लीवर, साइनस, ब्रेन, ये भी बहुत सारे चीजें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर को शो करती हैं एटम डिसऑर्डर के अंदर। तो लाइफ स्टाइल ऊपर के अगर जो हम बताएं तो उसको अगर हम चेंज कर सकते हैं दैट इज गुड। अल्कोहल कंजम्पशन हो या टोबैको कंजम्पशन हो, वो बॉडी के अंदर जाने के बाद जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाती ही हैं, और जो नॉर्मल हमारी बॉडी उसके साथ जो फाइट करने का काम करती हैं उस मैकेनिज्म को भी वो स्लो डाउन करते हैं उसके अंदर। तो लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज कर पाएं दैट इज गुड, अगर नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ये प्रोडक्ट के अंदर जो कैपेसिटी है वो आपको एटम डिसऑर्डर से बचाने का काम करेगा। नेक्स्ट वन इज साइलेंट किलर, ये एक सही मायने में साइलेंट किलर इसे कहते हैं, बिकॉज जब तक हमारी बॉडी इसे हमें ऐसे सिम्टम ना मिले कि फ्रैक्चर हुआ है, क्रैक हुआ है, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी के अंदर कितने मात्रा में वो प्रेजेंट है, और वो हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस एक जनरलाइज्ड टर्म है, इसके अंदर जॉइंट पेन आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है, ऑस्टियोपेनिया आ सकता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, तो बोन्स रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उनको अगर हम बात करेंगे तो रिमिटेड भी यहाँ पे आ सकता है। तो जनरलाइज्ड कैटेगरी आती है अर्थराइटिस, उसके अंदर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो हम जनरल बात करेंगे अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस का मतलब क्या होगा कि हमारे बोन्स के अंदर का कैल्शियम थोड़ा सा कम हुआ है, क्यों कम होता है वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। समझिए कैसा, कि बिकॉज जब तक हम टी स्कोर नहीं देखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर का कैल्शियम कितना है, वो जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जो हर 2-3 महीने के बाद कैल्शियम की टेस्टिंग करते हैं कि कितना कैल्शियम बॉडी के अंदर है, कितना मैग्नीशियम बॉडी के अंदर है, लिपिड प्रोफाइल कितने लोग करते हैं। तो ये आज भी इंडिया की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम डेफिशिएंट कंडीशन के जा रहे हैं। तो जनरल अगर हम बात करेंगे तो बाय फिजिकल अपीयरेंस भी हम ये समझ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो स्ट्रेट बैकबोन है, वहां पे कैल्शियम जो बोन की डेंसिटी है वो इतनी हायर है इस तरीके से है, और थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करेंगे तो बोन की डेंसिटी कम हुई है, जिसे हम पोर्स कहेंगे, और जहां पे छोटे छोटे छेद देखने मिलते हैं बोन के अंदर, जिसे हम कहेंगे सिंपली मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस। समझे कैसा, तो टी स्कोर एक मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर कितनी मात्रा में, तो वो +1 से -1 के अंदर अगर रेंज कर रहा है, जब भी टी स्कोर का रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो वो जो रेंज दी जाएगी +1 to -1 के अगर इन बिटवीन रेंज है तो डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर नॉर्मल डेंसिटी वाला कैल्शियम। अगर वो -1 to -2.5 के इन बिटवीन रेंज कर रहा है तो ये मॉडरेट है, जो स्टार्टिंग फेज है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस। और -2.5 से ज्यादा अगर वो दिखा रहा है, उसे कम दिखा रहा है, मतलब माइनस की बात करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे कैल्शियम का डिग्रेडेशन हुआ है, बोन का डिग्रेडेशन हुआ है, डेंसिटी बहुत ना के बराबर है, बहुत फ्रजाइल्स बने हैं आपके बोन, ठोस सतह पे थोड़ा सा जल हाथ इस तरीके से मार भी दोगे तो वहां पे क्रैक होने की संभावनाएं हैं, और ऑलमोस्ट वो देखी जाती है 60 ईयर्स के बियॉन्ड। देखते ना, बैठे चेयर से थोड़ा सा गिर गए कि फ्रैक्चर हो गया, तो वो सब चीजें डिटरमाइन करती है बॉडी की। तो ये बोन की डेंसिटी अगर बाय फिजिकल अपीयरेंस अगर देखना चाहेंगे तो किस तरीके से देख पाएंगे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। 50% इन मेल, सॉरी वुमेन, एंड 20% इन मेल, ये डिफिशिएंसी देखी गई है। तो देखिए, अगर आपकी हाइट सक्सेसफुली आपको कम दिखाई दे रही है, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, मेरा शोल्डर का लेवल स्ट्रेट है, अगर ये रेशो थोड़ा सा सामने की तरफ झुकाई दे रहा है या झुकते जा रहा है, इसका मतलब मेरे बॉडी के अंदर का कैल्शियम लेवल कम होते जा रहा है। ये पोटेंट नहीं है, बट समझने के हिसाब से यस डेफिनेटली हम ये
कह सकते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंट कंडीशन देखने मिल रही है। जॉइंट पेन्स अगर हो रहे हैं वो भी हो सकता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, सिर्फ कैल्शियम बॉडी के अंदर रहना ये जरूरी नहीं है कि आपके आर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। बिकॉज कैल्शियम बॉडी के अंदर अगर 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो पड़ा भी है ना, तो वो जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। और कैल्शियम अकेला आपके बॉडी के अंदर, बोन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको उस तरीके से बनाने के लिए विटामिन डी लगता है। और विटामिन डी भी आपके बॉडी के अंदर कितना भी पड़ा हो वो भी काम नहीं करेगा, बिकॉज हम जो भी विटामिन डी लेते हैं ना वो विटामिन डी टू लेते हैं। विटामिन डी टू दैट इज अ नॉन फंक्शनल विटामिन डी, और वो विटामिन डी थ्री के अंदर कन्वर्ट होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, और वो तब होगा जब हम सनलाइट के अंदर घूमेंगे। अगर हम सनलाइट के अंदर जाएंगे तब विटामिन डी टू का कन्वर्जन होगा विटामिन डी थ्री के अंदर। और इसीलिए कहा जाता है ना कि सुबह सुबह वॉकिंग करना बहुत जरूरी है सनलाइट के अंदर, बिकॉज विटामिन डी टू इट विल बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी थ्री, दैट इज ओनली विटामिन डी वी कैन नो एज अ फंक्शनल विटामिन डी। और विटामिन जब डी, जो फंक्शनल विटामिन डी है, वो बॉडी के अंदर अगर आता है तो वो एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है हमारे कैल्शियम को बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से। तो वो वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फीचर है ऑन ब्रेन, ब्रेन के अंदर किस तरीके से काम करता है। ब्रेन को कंट्रोल करने के 4 हार्मोन है, सभी को पता है, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। डोपामाइन काम करता है प्लेजर का, ऑक्सीटोसिन काम करता है लव हार्मोन, अफेक्शन, ह्यूमैनिटी, जो फीलिंग होती है वो। नेक्स्ट वन इज मूड एंड सेंसिटिव टू डाइट, दैट इज सेरोटोनिन। एंड लास्ट वन इज एंडोर्फिन, इज नथिंग बट द पेन किलर। तो ये हमारे बॉडी के 4 हार्मोन है जो काम करते हैं। बहुत जनरलाइज बात कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा डिटेल इसके ऊपर नहीं बात कर रहे हैं। तो जनरलाइज ये 4 हार्मोन है, इनका अगर रेगुलेशन किया जाए ठीक तरीके से, रेगुलेशन का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में बनते जा रहे हैं, जरूरत नहीं है तो मात्रा कम की जाए, कम मात्रा में बन रहे हैं, लगता ज्यादा है तो उसे बढ़ा दिया जाए, दैट इज नोन एज अ रेगुलेशन। तो हिबारिस मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलेशन मैनर के अंदर काम करता है, ना कि कंट्रोल। कंट्रोल का कहना ऐसा होता है कि चाहिए 10, बन रहा है 12 तो उसको कम करेगा, बट 8 बन रहा है तो उसे बढ़ाएगा कैसे, वो तो कंट्रोलिंग मैनर में नहीं आया। तो कंट्रोल इज अनदर थिंग एंड रेगुलेशन इज अनदर थिंग। तो रेगुलेशन के जरिए हम ये काम कर रहे हैं। तो और एक अगर हम बात करेंगे ना, एक्शन पोटेंशियल, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स के जरिए काम की जाती है। वहां पे -70 mV इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी ही पास ऑन की जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये भी एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम इन हार्मोन के जरिए किया जाता है। तो हेल्दी ब्रेन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या लगेगा, जिंक लगेगा, मैग्नीशियम लगेगा, कॉपर लगेगा, आयरन, विटामिन बी, सी, ई, फोलेट और भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। ये प्रीडोमिनेटली बात कर रहे हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो ये सब चीजें लगती हैं और नीचे मैंने ये भी लिया है देखो कि कौन से इंग्रेडिएंट के जरिए क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर मिल रहा है। तो जितना शॉर्ट में देने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा उतना हमने किया है, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, बहुत सारा है, बट जो हाईलाइटेड पार्ट हमें समझना जरूरी है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये सब चीजों की जरूरत है। क्या आप ये कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर एक चीज कर रहे हैं और ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए जो न्यूट्रिशन मिलता है, लगता है, वो अगर हम ना दें तो क्या हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा। सिर्फ ब्रेन ही नहीं, बॉडी का कोई भी हिस्सा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा जब तक उसे अच्छी तरीके के टूल्स ना मिले, जब तक अच्छी तरीके के न्यूट्रिशन ना मिले। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ये सब चीजें हमने दी हैं। ये सिर्फ ब्रेन के हार्मोन्स रिलेटेड ही नहीं, चाहे एंजाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस्ड कंडीशन हो, इन सभी चीजों के अंदर भी प्रोडक्ट के अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल बात करने वाले हैं हम। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम, नर्व्स, जो हमारे बॉडी का इनविटेबल पार्ट है, जो हमारे हर हिस्से से जोड़ा जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ आयंस ऐसे हैं जो मूव करने के लिए हमारी बॉडी काम करती है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो लिगैंड गेटेड है, नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल, ऑलवेज ओपन, एंड वोल्टेज गेटेड। ये जो वोल्टेज गेटेड है ना, ये काम करता है मोस्ट प्रीडोमिनेंटली इन नर्वस सिस्टम, ठीक है। लिगैंड गेटेड का क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ मस्कुलर है, ब्लड से मसल्स के अंदर जाना है, मसल से ब्लड के अंदर जाना है, या फिर एक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल के अंदर जाना है, तो आना जाना
जो हम कहते हैं ना, जो खाते हैं सेल के अंदर जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट सेल के अंदर से बाहर आता है। आने जाने के लिए जो डोर होते हैं उसका मैकेनिज्म यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो बात करेंगे सिर्फ वोल्टेज गाइडेड, बाकी ये सब चीजें हैं और प्रोडक्ट इन सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने का काम करता ही है। आने वाले स्लाइड के अंदर हम बात करने वाले हैं वोल्टेज गाइडेड के जरिए। तो ये एक हमारी नर्व इम्पल्स है, नर्व सेल है जिसे हम कहते हैं चेतना पेशी, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स यानी सिग्नल्स को बनाने का भी काम करता है और पास ऑन करने का भी काम करता है। तो इस जो ये जो डायग्राम है ना, उस डायग्राम को थोड़ा सा एलाबरेट कर रहे हैं हम हमारे आने वाले नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो देयर इज मोर पावर आपके ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को, चाहे हम पीएनएस की बात करेंगे, एएनएस की बात करेंगे या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो सीएनएस के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट हम इसके देखने मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हम बात करेंगे तो एन नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज के डेट में हमें देखने मिलते हैं। एज ग्रुप की बात करेंगे तो 5 साल से लेकर नो एज लिमिट, 13 से ज्यादा, 15 से ज्यादा अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आज के डेट में हमें पता है किस तरीके से ये काम करते हैं। तो अभी देखते हैं जो हमने बोला ना कि न्यूरॉन किस तरीके से काम करते हैं। तो ये एक न्यूरॉन ऊपर दी गई है और ये दूसरी न्यूरॉन है। तो ये दो न्यूरॉन के अंदर एक छोटा सा गैप है, आई होप यू कैन सी दैट, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। थोड़ा सा आप अगर जूम कर पाओ आपकी सेल के अंदर तो जूम करके देखिए, तो ये एक छोटा सा गैप है जिसे हम कहते हैं सिनेप्स। और ये सिनेप्स के अंदर जो मैकेनिज्म होने वाला है उस मैकेनिज्म को हम बात करेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो एक्चुअल मैकेनिज्म वहां पे बताएगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से काम करें। यहां से सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम पोटेशियम, ये दोनों का एक्शन पोटेंशियल लगता है। सोडियम ज्यादा मात्रा में, पोटेशियम कम मात्रा में, जो उनकी लेवल है वो लेवल अगर आती है तब न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइट होते हैं और फिर मूव किए जाते हैं। तो अभी बात करेंगे ये गैप के अंदर, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा है एक न्यूरॉन का एंड, और निचला जो हिस्सा है वो है दूसरे न्यूरॉन का हेड। तो एक न्यूरॉन का टेल, दूसरे न्यूरॉन का हेड। तो एक न्यूरॉन के टेल से न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आएंगे और दूसरे न्यूरॉन के हेड से उसे कैप्चर किया जाएगा, फिर दूसरा न्यूरॉन के टेल से बाहर निकाल दिया जाएगा और तीसरे न्यूरॉन के हेड से कैप्चर किया जाएगा। इस तरीके से यह सिग्नलिंग कैस्केड होता है। तो समझने का प्रयास करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरीके से काम करते हैं। एक्शन पोटेंशियल के लिए क्या क्या लगेगा, सोडियम पोटेशियम दो तो लगते हैं, उनकी मात्रा बॉडी के अंदर कम हो गई तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, वहां पे किसी ना किसी तरीके की दिक्कत आएगी। मान के चलेंगे एक्शन पोटेंशियल अच्छा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं और बॉडी के अंदर उसके प्रमोशन भी हो रहे हैं, प्रमोट भी किए जा रहे हैं आगे, तो तब तक वो न्यूरॉन के बाहर नहीं आएगा जब तक कैल्शियम उस न्यूरॉन के अंदर नहीं आएगा। जैसा अभी कहा ना मैंने कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, वोल्टेज आयन, तो वो कैल्शियम गेटेड चैनल है। कैल्शियम के ऊपर होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम अगर अंदर गया तो वो डोर ओपन होगा और वो सिग्नल उसके अंदर से बाहर आएंगे, समझ गए आप। और यहाँ पे कैल्शियम का रोल कोई और प्ले कर पाएगा क्या? नहीं, नेचर ने हर किसी को अपना अपना काम देके रखा है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे कैल्शियम क्यों कम होता है, बिकॉज हमारे डाइट से कैल्शियम ज्यादा नहीं मिल रहा है, इसीलिए कैल्शियम ज्यादा हमारे ब्रेन को लगेगा। हड्डियां खराब हो गई, कोई मरेगा नहीं, बेड रिडन रहेगा, सोकर रहेगा, चल नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा, लेटा रहेगा, बट ब्रेन डेड हो गया तो वी आर फिनिश्ड। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो नेचर का नियम है, उस नियम के तहत कैल्शियम जो ब्रेन को लगता है वो कैल्शियम कहां से लेगा, हमारे बोन के अंदर, बोन्स के अंदर 98% कैल्शियम पड़ा है, तो बोन से कैल्शियम लेगा और ब्रेन को देगा ताकि ब्रेन का काम चलता रहे। और अगर कैल्शियम उतनी मात्रा में खाने से नहीं आया तो बोन की डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जहां पे बोन्स के अंदर कैल्शियम नहीं रहेगा, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम रहता ज्यादा बोन्स के अंदर है, काम वहां पर तो करता ही है काम, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम फीचर कहां पर है, ब्रेन के अंदर, इसीलिए ब्रेन को कैल्शियम देने का काम ज्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैकेनिज्म है, बहुत सारे मैकेनिज्म इसके अंदर है, छोटा सा मैकेनिज्म मैंने आपको बताया। तो हिबर इज मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कैल्शियम डेफिशिएंट कंडीशन बहुत शानदार तरीके से फुलफिल करेगा। तो अभी एक लॉजिकली बात करता हूं मैं कि मैंने प्रोडक्ट खाया तो मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम सबसे पहले कहां लगेगा, ब्रेन को, तो सबसे पहले ब्रेन को देगा। ज्यादा मात्रा में है तो अभी कैल्शियम ज्यादा है तो कहां स्टोर करेगा, बोन के अंदर स्टोर करेगा। फिर से मैं ये कहूंगा कि कैल्शियम कंडीशन अगर है तो वो कब काम करेगी, हमारे प्रोडक्ट के जरिए भी आपको 15 से 20% तक विटामिन डी आपको मिलेगा, दैट इज अ फंक्शनल, जो फंक्शनल के अंदर काम करेगा आपके बॉडी के अंदर।
बट जो रेस्ट है 80% का जो गैप है, 80-85% का गैप, वो तभी फुलफिल होगा जब आप सनलाइट के अंदर घूमेंगे। दुनिया में अभी साइंस इतना आगे नहीं गया कि सनलाइट का काम कोई और चीज आपके बॉडी के अंदर करे। तो आपको चलना फिरना घूमना बहुत ज्यादा इसेंशियल है। तो ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी आपको सनलाइट के अंदर घूमना जरूरी है, और तब जाके आपको अर्थराइटिकल के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने मिले। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, जहाँ पे न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन को एक साथ रखने के लिए मैग्नीशियम काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल होगा, तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो फाइबर इज मोर पावर इज एबल टू प्रिवेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस एज वेल। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस अगर हैं, तो जो मेडिकल फील्ड से कनेक्टेड लोग हैं वो ये समझते होंगे कि प्रोग्रेसिव रहा, न्यूरो डिजेनरेटिव रहा, तो उसको रोका जा सकता है, उसको एक सीमित समय तक और हेवी डोसेज के जरिए ही रोका जा सकता है, जिसके एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट हिबार इज मोर पावर, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, बहुत कम अमाउंट में रिवर्ट हो सकता है। डिजेनरेटिव कोई भी डिजेनरेटिव डिसीज अगर है, तो प्रोटेक्ट अपने प्रोडक्ट से बहुत शानदार तरीके से ये होगा। नेक्स्ट वन इज हम बात करेंगे पीएच। इसके ऊपर भी आप सब लोग शानदार तरीके से जानते हो। ऐसा कहा जाता है कि पीएच अगर इम्बेलेंस बॉडी के अंदर हुआ और बहुत ज्यादा मात्रा में एसिडिक कंडीशन लंबे समय तक बॉडी के अंदर अगर बनती रही, तो बहुत सारे दिक्कत भरे काम हमारे बॉडी के अंदर हो सकती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड लीडिंग एग्जाम्पल इज डायबिटीज। यस, डायबिटीज का जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन स्ट्रेस, ये सब चीजें नहीं है, ये सेकेंडरी है। सबसे बड़ा रीजन है एसिडिटी। क्रॉनिक कंडीशन के एसिडिटी अगर है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको शुगर होगी, डायबिटीज बनने के चांसेस 90% से भी ज्यादा। तो अभी बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन क्यों बनती है? सभी लोगों को यही मालूम होगा कि हम सिर्फ खाना खाते हैं एसिडिक, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, ऑयली खाते हैं, फैट भरा खाते हैं, इसीलिए होता है, पैक फूड खाते हैं इसलिए होता है, वो तो रीजन है ही। बट अगर ये सब चीज हम छोड़ भी दें, तब भी एसिडिक कंडीशन बॉडी की बढ़ती रहेगी, बनती रहेगी। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन इज रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है तो बायकार्बोनेट बनता है बॉडी के अंदर, और जब बायकार्बोनेट के डेरिवेटिव्स बनते हैं, तो जब स्प्लिट होंगे, तब डेफिनेटली बॉडी के अंदर का एसिडिक कंडीशन बढ़ता है। और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लोगों को मैं ये कहते सुनता हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि बॉडी का पीएच 9 होना चाहिए, 9.5 होना चाहिए, वो हम अगर यूज करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से बॉडी काम करेगी। नहीं, हमारे हर ऑर्गेनल का पीएच अलग अलग। हमारे बॉडी को अल्कलाइन हमें नहीं करना है, हमारे बॉडी को हमें पीएच बैलेंस करना है। क्या करना है? पीएच बैलेंस। मेटाबॉलिज्म के लिए 2.5 पीएच लगता है, तो 2.5 ही पीएच लगेगा, 2.3 to 2.5, ये वेरिएबल होता है पीएच का, स्टमक के अंदर जो मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करता है। ब्लड का पीएच बात करेंगे तो 7.35 to 7.45, 0.10 का ही बफरिंग है। हम जो भी चीज खाते हैं ब्लड के अंदर अगर आती है, तो वो 0.10 का ही बफरिंग होता है। अगर ब्लड का पीएच आपने ज्यादा बढ़ा दिया, 8, 8.5, 9 कर दिया, तो किस तरीके से सर्कुलेशन हो पाएगा? बिकॉज ब्लड के अंदर आयंस भी हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, जैसा फेरस है, आयन है, जो काम करता है ब्लड ऑक्सीजन को ही घुमाने का, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, बिकॉज हम जब भी हेल्थ को प्रमोट करने का बात करते हैं ना, तो हम जनरलाइज तरीके से नहीं बात कर सकते, हमें थोड़ा सा पोटेंटली बात करना पड़ेगा। तो पीएच ज्यादा बात नहीं करते उसके ऊपर। तो पीएच बैलेंस करने का भी काम इस प्रोडक्ट के जरिए बहुत शानदार तरीके से है। ऑलमोस्ट विद इन अ मंथ आपके बॉडी के अंदर का पीएच बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस होगा। ऐसे कुछ रिजल्ट हमारे पास है, जिन्होंने पानीपुरी पिछले 10-12 साल से खाई नहीं है, इच्छा बहुत होती है बट खा नहीं सकते, एक पानीपुरी खाएं तो 2-4 घंटे की तकलीफ होती है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से महज 8 दिन के अंदर ऐसा है कि आज रोज पानीपुरी खाने कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बॉडी टू बॉडी डेफिनेटली रिजल्ट्स अलग शो करते हैं, बट डेफिनेटली विद इन अ मंथ यू विल गेट सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स रिगार्डिंग द पीएच। दैट इज बहुत लोगों को यह भी लगता है कि एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, एक वॉमिटिंग अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप उस लेवल पे अगर चले गए हैं तो यू आर सुपेरियर, तो आप बहुत डेंजर जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर अगर आप देखेंगे पीएच इम्बैलेंस अगर होता है, तो क्या क्या टिंगलिंग, टिंगलिंग का मतलब होता है मैं चेयर पे बैठा हूँ, अचानक से किसी ने मुझे आवाज दी और मैंने ऐसा मुड़ के उनको देखा, तो हल्का सा चक्कर आना, सर का भारीपन होना। जो लैपटॉप के ऊपर ज्यादा काम करते हैं नीचे थोड़ा सा फेस डाउन करके, वो अगर कोई एक्शन करने चाहेंगे तो वो थोड़ा सा टिंगलिंग जैसा होता है, जिसे हम कहते हैं टिंगलिंग, थोड़ा सा चक्कर आना 1-2 सेकंड के बाद, 1-2 मिनट के बाद अच्छा लगना। उसके बाद मसल्स क्रैम्प, मसल क्रैम्प्स भी ये एक पीएच इम्बेलेंस के दौर पे काम करता है, क्योंकि
रशीद सर स्पोर्ट्स जिम रिलेटेड काम करते, तुमको ये बहुत ज्यादा पता होगा कि मसल्स क्रैम्प्स अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वाटर इंटेक कम होगा और कहीं ना कहीं पीएच इंबैलेंस की चांसेस होते हैं। तो डेफिनेटली इन सभी तरीकों के ऊपर प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, अगर हम बात करेंगे मेल्स की, पोटेंटली मेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे 85% से भी ज्यादा ग्लोबल की अगर हम सर्च करें तो 85% से भी ज्यादा मेल्स के अंदर ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये एक डिसऑर्डर ही कहेंगे इसे, ये देखा जा रहा है। इसके भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। अगर डायबिटिक पर्सन है तो 50% सर्कुलेशन काम नहीं कर रहा है, 50% इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रही है, तो 50% यू आर लेस इन टेस्टोस्टेरोन, 50% पहले से ऑलरेडी कम है और 50% के अंदर ही आप काम कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं, उसके भी कुछ अलग काम है, वो भी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इरेक्शन की जो समस्या है बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है, चाहे इरेक्शन की बात करेंगे, चाहे हम प्री इजेकुलेशन की बात करेंगे, चाहे स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वैटलिटी की बात करेंगे, लिबिडो की बात करेंगे, इन सभी के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आज के डेट में हमें देखने मिल रही है। और इससे बियॉन्ड अगर हम बात करेंगे, जो मेंटल एक्साइटमेंट लेवल होती है ना फॉर द अफेक्शन, फॉर द सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट, उसकी भी अभाव आज के डेट में देखी जा रही है। तो ये सिर्फ हार्मोन की बात नहीं है, ये हमारे ब्रेन की कुछ ऐसी स्टेट के ऊपर ब्रेन जा रहा है जहां पे एक्साइटमेंट लेवल ही अटेंड नहीं हो पा रहा। तो ये एक प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर एक्साइटमेंट लेवल को अटेंड भी करेगा और नॉर्मल तरीके से आपके बॉडी को कंट्रोल्ड मैनर में ये इसके इफेक्ट दिखाने का प्रयास करेगा। और इंडिया की बात करेंगे तो पॉपुलेशन का काउंट बहुत ज्यादा है जो इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर काम करता है। ईडी की बात करेंगे तो यहाँ पे 75% ऑफ वुमन आर अनसेटिस्फाइड फॉर द सेम। तो ये आंकड़ा है, ये मैंने नहीं निकाला, ये WHO सर्वे का आंकड़ा है जिन्होंने ये बताया है इस तरीके से ये काम करती है। तो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला रीजन है साइकोलॉजिकल। इसके अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कोई बीमारी हो सकती है। मोस्ट प्रेडोमिनेंटली हार्ट रिलेटेड अगर दिक्कत है, ज्यादा ब्लड प्रेशर वाला है तब भी ये इरेक्शन के अंदर इसके इफेक्ट देखने मिलते हैं। डायबिटीज है तब भी इसके रिजल्ट हमें इसके देखने मिलते हैं। तो बहुत सारे इसके एन नंबर ऑफ रीजंस हैं इस पर्टिकुलर चीज को शो करने के लिए। इसको ओवरकम करने के लिए बहुत शानदार तरीके का स्टेरॉइड निकला, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। सिल्डेनाफिल सिट्रेट नाम का जो ड्रग है, जो स्टेरॉइड है, जो शानदार तरीके से यूज किया जाता है इरेक्शन के पर्पस के लिए, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट। और वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज वियाग्रा। देखिए अगर ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट का यूटिलाइजेशन हम हमारे बॉडी के अंदर करते हैं, नॉर्मल तरीके से टेस्टोस्टेरोन के लेवल कितनी होनी चाहिए मेरे बॉडी के अंदर पता है, इस लेवल आज के समय में इस डेट को कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोटा मोटी बात करेंगे 80 ml, अगर मैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट का यूज कर रहा हूँ तो वो 80 अटेंड नहीं करेगा, उसको पता नहीं है कि यहाँ पे रुकना है, वो बढ़ा देगा उसको बहुत ज्यादा। मेरी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि 80 तक मैं उसको मेंटेन कर सकता हूँ, उससे अगर चला ऊपर चला जाएगा तो मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, हैंडल नहीं कर पाएगी। बट ये ड्रग यूज करने के बाद वो बियॉन्ड एक्साइटमेंट लेवल चला जाता है, बियॉन्ड कंट्रोल मैनर में चला जाता है। और देखिए इसके इस्तेमाल अगर ज्यादा अमाउंट में कोई पर्सन करता है या फिर रेगुलर मात्रा में करता है तो डेफिनेटली उनको हार्ट रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वन ऑफ द लीडिंग डेथ कॉज इन करंट सिचुएशन इज स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स। तो इसका और थोड़ा सा क्लिनिकल स्टडी की जाए तो उसका सेवन इस ड्रग के जरिए किया गया है, उसका आपको एविडेंस वहां पे देखने मिलेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है वायरस मोर पावर, इस प्रोडक्ट के अंदर किसी भी तरीके का स्टेराइड यूज नहीं किया गया, किसी भी तरीके का फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड यूज नहीं किया गया, किसी भी तरीके का एक्साइटर भी यूज नहीं किया गया। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो एनहांसर्स हैं। एक्साइटमेंट का क्या मतलब होगा, एक्साइटर का क्या मतलब होगा, जीरो, जैसा कहते हैं ना कि ये गाड़ी की स्पीड है, 0 to 60 और की जो स्पीड है वो विद इन सेकेंड्स अटेंड करता है, दैट इज एक्साइटेड। बट एनहांसर की बात करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बढ़ाएगा, आपकी बॉडी जहां तक कंट्रोल कर पाएगी एज पर फिजियोलॉजिकल कंडीशन उस हद तक इसे बढ़ाएगा, उसे ऊपर नहीं लेकर जाएगा। अगर कंट्रोल्ड मैनर में यह काम करता है तो किसी भी पर्सन को आप इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बात करते हैं इसका छोटा सा मैकेनिज्म, यहाँ पे हमने बताया है टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है बट ये आपके बॉडी के अंदर भी अलग अलग हिस्सों में काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज एसोसिएटेड विद योर बोन्स विद मसल, मसल्स एंड बोन्स को इकट्ठा जकड़ के रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन काम करता है।
शानदार तरीके से। तो मसल्स एंड बोन्स मेल्स के अंदर भी है, फीमेल्स के अंदर भी है। तो फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है फॉर मसल एंड बोन के टुगेदरनेस के लिए, एक इकट्ठा जकड़ के रखने के लिए। मसल फाइब्रोसिस है, मसल डिजनरेशन हो रहा है, मस्कुलर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं तो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन की कमी उनके बॉडी के अंदर देखी जा सकती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए और भी कुछ लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एल आर्जिनिन, जो वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं या फिर स्पोर्ट्समैन है वो एल आर्जिनिन का सेवन करते हैं ताकि उनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ी जाए या फिर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़े। एल आर्जिनिन एक सब्सट्रेट है और दूसरा सब्सट्रेट लगता है इसे ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जो लोग एस्थमेटिक हैं, जिनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो लॉजिकली क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड का बनना कम है या फिर उसकी लेवल कम है। और अगर नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल कम है तो क्या ये कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम है? डेफिनेटली, बिकॉज जब नाइट्रस ऑक्साइड बनता है तब ऑक्सीजन भी लगता है और एक अमीनो एसिड लगता है जो लीवर रोटेशन करता है, दैट इज आर्जिनिन नाम। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, ऑक्सीजन मैंने जैसा कहा कि ब्लड अगर ठीक है तो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा। तो जो लोग एस्प्रिन लेते हैं, अच्छे डॉक्टर्स अगर हैं तो 45 एज के बाद हर पर्सन को एक एस्प्रिन की टैबलेट दी जाती है डेली बेसिस पे, रोज एक लीजिए ताकि वैसे डायलेशन हो, ब्लड का डायलेशन हो, ब्लड पतला हो और अच्छी तरीके से सर्कुलेशन काम करे। आपको वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूर इज मोर फॉर इटसेल्फ कैपेबल फॉर द डायलेशन पर्पस एंड सर्कुलेशन पर्पस एज। और आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है उसकी भी इनटेक, उसका भी स्ट्रक्चर अच्छा बनाने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। फिर जब हम और एक सेशन लेंगे वहां पे और टेक्निकल थोड़ा अलग जानकारी लेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए ये एक थोड़ा सा एग्जांपल हमने यहाँ बताया किस तरीके से एलिवेशन का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट इन कैंसर। कैंसर इज नथिंग बट द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल। कोई भी सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के जरिए अगर काम किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे कैंसर। कैंसर होने के लिए कुछ रीजंस यहाँ पे हमने बताई हैं, फाइव सीन्स दैट कॉज कैंसर, कॉजेस द कैंसर। इनसे अगर हम बच पाए दैट इज गुड, अगर नहीं बच पाएंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट आपको उनसे बचाने का काम करेगा। जी हाँ, कुछ ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास है, जो लोग स्मोकिंग करते थे, जो लोग अल्कोहलिज्म करते थे, उनकी इच्छा ही अभी नहीं होती है कि अल्कोहलिज्म करें हम। तो ये आपके ब्रेन को उस लेवल तक लेकर जाएगा, बट यस डेफिनेटली साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। आपको खुद के लिए इतना कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आपको इससे छुटकारा चाहिए, प्रोडक्ट उसको डेफिनेटली आपको हेल्प करने का काम करेगा वहां पे। तो कैंसर के लिए ये एक मैकेनिज्म हमने यहाँ पे दिया है, ये कैस्पेज का एक कैस्केड है जो सिग्नलिंग कैस्केड के तहत काम करता है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो ये चार हमने यहाँ पे दिए हैं, एपोप्टोसिस, सेल मेम्ब्रेन इनहिबिशन, ये चार अलग अलग तरीके हैं जिन तरीकों से कैंसर से हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से फाइट करने का काम करती है। अगर इनमें से कोई एक काम करना बंद कर देगा तो ये कहा जा सकता है कि कैंसर को खत्म करने के लिए कोई चीज हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो इन सभी चीजों को भी शानदार तरीके से ओवरकम करने का काम हमारे प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। तो अब तक हमने जो बात की है वो एक प्रोडक्ट के अंदर है जिसका नाम है ईबाटोरियम। ईबार इज मोर पावर रेगुलर प्रोडक्ट, दैट इज अ मदर प्रोडक्ट। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमने दिए हैं जिसके अंदर 38 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट है और बहुत कम इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे आपको दिखाए। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आप समझते होंगे, देखते होंगे। दूसरा प्रोडक्ट हम शो कर रहे हैं आपको जिसका नाम है ईबाटोरियम, ईबार इज मोर पावर प्रीमियम, जिसके अंदर अब तक हमने जो बात की है वो सब इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी है, सिमिलर इफेक्ट दिखाता है। इफेक्ट को और ज्यादा इनहांस करने के लिए इसके अंदर हमने और क्या क्या चीजें की हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हमने यूज किया है स्वर्ण भस्म, दैट इज एडिबल गोल्ड। गोल्ड हमारे बॉडी के अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है, मेमोरी रिलेटेड, ब्रेन का जो आईक्यू है उस आईक्यू को बढ़ाने के लिए। देखिए जब बच्चे पैदा होते हैं एक दो महीने के बाद, तीन महीने के बाद, हम उनको जो भी खाना खिलाते हैं ना, जो एक चम्मच से चटाते हैं, तो उसके अंदर हम गोल्ड भी उनको देते हैं। तो बहुत ज्यादा ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही अगर हम बात करेंगे गोल्ड की, तो हमारे स्पर्म के टिप पे, हेड के टिप पे भी गोल्ड पार्टिकल पाया जाता है। आज हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान
जो मिल्क का सैंपल यूज किया गया उस सैंपल के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के अंदर भी हमें माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने माइन्यूट तरीकों से माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर आया है। तो उनको ओवरकम करने के लिए डीएनए को प्रिकॉशनरी प्रिवेंशन करने के लिए गोल्ड पार्टिकल बहुत शानदार तरीके से काम करता है और इसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च है। नेक्स्ट वन इज रजत भस्म, दैट इज चांदी का भी भस्म इसके अंदर हमने यूज किया है, जो वाइटलिटी के लिए स्किन पर्टिकुलरली स्किन रिलेटेड भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। साथ ही जो हम हीट बॉडी के अंदर होती है ना, आज हीट ऑलमोस्ट 50% ज्यादा लोगों को हीट की समस्या बॉडी के अंदर है, बिकॉज हम बहुत सालों से मसाला या फिर ऐसा खाना खाते आए हैं जो हैवी होता है, जिसके अंदर से हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेशन ज्यादा मात्रा में, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये रजत भस्म काम करता है। इसे छोड़ते हुए ये दो तो है ही, प्लस अभी हम बात करेंगे 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो इस प्रोडक्ट के अंदर हमने यूज किए। नेक्स्ट जो फर्स्ट पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, दैट इज शाहगंधा, जो शानदार तरीके से काम करता है। अश्वगंधा का नाम सुना होगा हमने, अश्वगंधा के अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है जो काम करता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी को शो करने का, दैट इज शाहगंधा। और ये सबिंसा ग्रुप से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है जो ये काम करता है इस तरीके से, जो हमारे बॉडी के अंदर लिबिडो वाइटलिटी सभी तरीकों से ओवरकम करने का काम करता है, स्ट्रेस को भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये एक और पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है सबिंसा ग्रुप का। हमने अब तक कुरकुमिन का इस्तेमाल किया है, कुरकुमिन के बारे में हम जानते भी हैं, बट यहाँ पे सिर्फ कुरकुमिन नहीं, कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे दिया है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है हमारे बॉडी के अंदर कुरकुमिन को और ज्यादा मात्रा में अवेलेबल करने के लिए। दो कुरकुमिनेट्स यहाँ पे काम करते हैं जो शानदार तरीके से हमारे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, जो सबसे इसका प्रेडोमिनेंट वर्क है, दैट इज लिवर प्रोटेक्शन, शानदार तरीके से लीवर को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि हम कोई भी चीज आर्टिफिशियल खाते हैं तो सबसे पहले लीवर को अफेक्ट करता है, तो उस लीवर को जो डैमेज हुआ है उससे ओवरकम करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक इंग्रेडिएंट शानदार तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इज सैवरी, जो बी केयर नेचुरल फ्रेंड्स, यहाँ से पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ आमला। इसके तो रिजल्ट हमें पता है आमला किस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने कहा कि हल्दी के रिजल्ट हमें पता है कि किस तरीके से काम करती है, बट अगर हम कुरकुमिन की बात करें तो उसके रिजल्ट काफी मात्रा में ज्यादा तरीके से मिलते हैं। अभी हम आमला की बात करेंगे तो उसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज सैबरी, तो वो आमला के जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उसके कई गुना ज्यादा रिजल्ट हमें इसके मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज फिनामिनोन, दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मेथी, मेथी दाना या फिर मेथी सभी लोगों को पता है। तो जो मेथी है सीजनल आती है, विंटर सीजन में खानी चाहिए। हरे सब्जियां कब खाना चाहिए? सभी लोग कहेंगे कि हमेशा खाना चाहिए, हरे सब्जियां अच्छी होती है। नहीं, हरे सब्जियां अगर हम समर सीजन में खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर का हीट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो वो स्पेशली खाने चाहिए विंटर मोस्ट प्रोमिनेंटली, और उसके बाद खाना चाहिए रेनी सीजन में। बट क्योंकि साइंस इतना आगे बढ़ा है कि हर चीज हर सीजन में हमें मिलती जा रही है, तो इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हमें मिलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्यों जरूरी है? एक्सट्रैक्शन अगर हम बायमल के यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, उसके पोटेंट रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो डाइजेशन के लिए काम करता है, रिमेटेड हो या रेस्पिरेटरी हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो, बहुत शानदार तरीके इसके रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टिनोफोलिन, जो गिलोय गुड़ जैसे कहते हैं ना, गिलोय सब लोग जूस पीते हैं, उसके अंदर का जो बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज टिनोफोलिन, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज को ओवरकम करने का काम करता है, चाहे किसी भी तरीके की मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो, वर्बल हो, लॉजिकल हो, या क्रॉनिक डिसीजेस से अगर हम जूझ रहे हैं तो उसे भी ये थोड़ा सा ओवरकम करने का काम अपने प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बायोपेरिन, दिस इज अ बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर। बायोपेरिन एक दुनिया का बहुत बेहतरीन इंग्रेडिएंट, जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है, डाइजेशन को बहुत शानदार तरीके से बढ़ाने का काम करता है। जब भी बायोपेरिन एंड कुरकुमिन C3 ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा ना, तो हमारे बॉडी के अंदर, ये रिसर्च उनका ही है जिनके ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है, 2000 टाइम ज्यादा एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी बॉडी के अंदर बढ़ती है जब हम बायोपेरिन एंड कुरकुमिन C3 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। समझ रहे हैं आप? ये रिसर्च उन्होंने किया था माइस के ऊपर, रैट्स के ऊपर,
जिनकी एनाटॉमी 99% हमारे एनाटॉमी से शो होती है, एग्जैक्टली सिमिलर एनाटॉमी है माइस एंड ह्यूमंस की। तो माइस के अंदर जब ये रिसर्च किया गया तो पाया गया कि 2000 गुना ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बड़ी है जब बायोपेरिन और कुर्कुमिन का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन के जरिए किया गया। तो देखिए जैसा मैं कह रहा था कि एब्जॉर्ब अगर आपके बॉडी के अंदर नहीं होता है तो किस तरीके से वर्क होगा। तो हम पेटेंटेड इंग्रेडिएंट आपको प्रीमियम के माध्यम से दे रहे हैं जो आपके बॉडी के अंदर शानदार तरीके से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से आपको मिलेंगे। इसको लेना किस तरीके से, सुबह शाम दो बार आपको लेना है। सुबह सबसे पहले आपको ब्रश करने से पहले लेना है उठते बराबर। ओवरनाइट का सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम बॉक्स के अंदर आपको स्पून मिलेगा, उसका हाफ स्पून आपको लेना है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 ग्राम वो रहेगा। प्रोडक्ट इस तरीके से दिखता है, दैट इज प्राश फॉर्मुलेशन में। आपको रोल ऑन करना है, जब इसका टेस्ट चला जाएगा तो आप इसके चबा चबा के इसको खाना है और 10 से 15 मिनट बाद एक ग्लास गुनगुना पानी पीना है। और उसके बाद आप जो आपका डेली शेड्यूल है वो आप यूज कर सकते हैं। रात को खाना खाने से आधे से घंटे के बाद सिमिलर फैशन में आपको लेना है आधा चम्मच, दैट इज ऑलमोस्ट 2 से 2.5 ग्राम, दो पीनर साइज के लगभग होता ही है। उसके भी रोल ऑन करना है, 10-15 मिनट बाद एक ग्लास गर्म पानी पीना है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए अगर आपको यूज करना है तो सुबह और शाम दोनों लेने की जरूरत नहीं है। सुबह का स्किप करके वो जो डोज है आधा चम्मच उसे ऐड करना है रात के डोज के साथ, दैट इज 1 फुल आपको स्पून लेना है और 10 से 15 मिनट के बाद आपको ठंडा दूध लेना है विद क्रीम, जो बॉडी के अंदर की हीट को कॉम्पेंसेट करेगा और स्पर्म की मोटिलिटी थिकनेस उसके लिए मिल्क काम करता है। तो वो आपको ये दोनों ही आपको इस तरीके से यूज करना है। ये प्रोडक्ट लेना 3 लोगों को नहीं है तो सबसे पहले जो डायलिसिस पे है उनको हम प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट वुमन उनको हम रिकमेंड नहीं कर सकते। जब पीरियड्स चलते हैं वो 5 दिन हम रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी सब लोगों को हम ये दे सकते हैं। जब बच्चे बाहर का खाना खाना शुरू करते हैं, चॉकलेट बर्गर पिज्जा चिप्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तब हम बच्चों को दे सकते हैं छोटी अमाउंट में छोटी मात्रा में, क्योंकि सिर्फ एक चीज को ये बढ़ाता तो है, इसका मतलब हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर ये काम कर रहा है। तो उनको छोटी मात्रा में आपको देना है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हैं। प्रीमियम की बात करेंगे तो आपको 2-2.5 ग्राम से ज्यादा वन टाइम से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो हेल्दी लाइफ के लिए आपको विटामिन्स ये सब न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, चाहे आप इतना सुबह शाम दो बार लीजिए या फिर स्विच करिए खुद को ऐसे प्रोडक्ट के जरिए जिसके अंदर ये सब चीजें तो है ही, उसी के साथ साथ मोर देन 160+ न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जो एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ आधे चम्मच के अंदर ये सब चीजें आपको मिलेगी। तो यू कैन डिसाइड आपको क्या लेना है, ये लेना है या ये लेना है। यूएसपीज क्या क्या है, हर इंग्रेडिएंट प्लांट डिराइव्ड है, प्लांट को छोड़ते हुए और इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज नहीं किया गया। बेस्ट एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म वी आर यूटिलाइजिंग ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट फॉर्मुलेशन है, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन का मतलब कौन सी इंग्रेडिएंट कौन सी चीज कितनी मात्रा में यूज करनी चाहिए, कॉम्बिनेशन में यूज करने के बाद उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, एनहांस भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो ये जो रिसर्च है उसे हम कहेंगे फॉर्मुलेशन, दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। और वी आर द फर्स्ट कंपनी जो सैंपल के तहत काम करती है, तो फॉर्मुलेशन इतना बेहतरीन है कि इसको कॉपी कर पाना, इसका डुप्लीकेशन कर पाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए पिछले 3 साल से हम मोनोपोली रखते हैं इस प्रोडक्ट को लेते हुए, जो अभी सिर्फ एक्सक्लूसिवली मिल रहा है सिर्फ ई बायोटेरियम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये एक यूनिक हेल्थ सॉल्यूशन आपके सामने है इस प्रोडक्ट के जरिए, जो आपके बॉडी के अंदर का इनर पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेगा, आपकी जो डायनामिक आपकी जो स्किल्स हैं उनको भी बढ़ाने का काम करेगा, और जो जिंदगी जीने का जो हम एक जज्बा रखते हैं ना, जो आज कुछ डिप्रेस्ड टेंशन से हैं, तो उसको ओवरकम करेगा हैप्पी फीलिंग के साथ। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने जो मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन और सेवा देने का मौका दिया, उसके लिए सभी का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ, और स्पेशली रशीद सर का जिन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म मुझे ओपन करके दिया। सो थैंक यू सो मच सर एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यू आर म्यूट सर, आप म्यूट हैं। हाँ, थैंक यू विनय सर, बहुत ही जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव सेशन था, बहुत अच्छा नॉलेज मिला और इन डेप्थ नॉलेज मिला हम लोगों को।
तो उसके लिए पूरे आरएस मैग्नेट टीम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और अभी हम लोग कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल होगा तो वो क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ लोगों ने सवाल भेजा हुआ है, वो मैं आपको अभी पूछता हूँ, या लोगों को पहले हम लोग डायरेक्टली फ्री कर देते कि जो लोगों को सवाल करना है वो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। जिनको जो भी सवाल पूछना है आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। ओके विजय भाई, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रोडक्ट है इसमें मुझे ये पूछना था, इसमें वक्त बक्ट्रॉन करके ये फ्रूट जूस आता है, फ्रूट आता है फ्रूट का बेरी टाइप, तो इसका कंटेंट है कि वो जरा कंफर्म करना था। नहीं है, नहीं है सर, वो नहीं है इसमें। ओके ओके ठीक है सर। ओके नेक्स्ट डॉक्टर जैनल आबेदिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल है, ये जो प्रोडक्ट है ये शुगर फ्री है या नहीं? यस, इसके अंदर जो बेस है जो हनी है, और यूरोपियन हनी बीस है, हम ये हनी लेते हैं फ्रॉम यूरोप, और ये डेरिवेटिव है हमारे कार्ब्स का, जो हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा। तो डेफिनेटली हम ये डायबिटिक पर्सन को दे सकते हैं, बट जब भी हम डायबिटिक पर्सन को ये प्रोडक्ट दें तो उनका HbA1c चेक करना जरूरी है। HbA1c अगर उनका 6.5-6 से कम है तो डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, बिकॉज जहां तक मैं मानता हूं कि ब्लड शुगर लेवल अगर 200, 250, 300, 350 है वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट HbA1c उनका 7-8 या उससे ज्यादा है और शुगर 150-200 रहती है तो वो ज्यादा फ्रजाइल होते हैं। तो जब डायबिटिक पर्सन को हम दें तो सबसे पहले HbA1c चेक करें, वो अगर 6.5-6 से कम है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जैनल आपका आंसर मिल गया। ओके नेक्स्ट मेजर बागड़ी, दत्तात्रेय बागड़ी कोल्हापुर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल यह है कि ये लेडीज की अपना प्रेग्नेंट के लिए कितना उम्र तक यह हम प्रोडक्ट काम कर सकता है, जैसे कि 25 से लेकर 60 या 25 से 50, क्या एज तक हम इसको रेफर कर सकते हैं? डेफिनेटली हर पर्सन को हम रेफर कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी के अंदर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, तो ये प्रोडक्ट हमें रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। बट जब पहली बार यूज करेंगे तो 3-4 महीने रेगुलर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी बॉडी की हर सेल नई बनती है, 120 डेज के अंदर एंटायर ब्रेन से फुट तक हमारा पूरा शरीर नया बनता है। जब ये प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे आप लोगे तो आपके पूरे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, जो टूल्स हम बोलते हैं ना कि हीलिंग के लिए लगता है वो एप्रोप्रिएट अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। उसके बाद आप 1-2 दिन डे आफ्टर डे इस तरीके से ले सकते हैं, बट रेगुलर बेसिस पे लेना है, और खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडी को, फीडिंग वुमन को हम प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते, उनको नहीं देना है। थैंक यू सर। या विनय सर, प्रेगनेंसी का मींस 3 मंथ्स के बाद का प्रेगनेंसी या 2 मंथ्स का मींस कहां से शुरू होता है? नहीं, जब हमें पता चला ना, जब फर्स्ट सोनोग्राफी हम करते हैं, जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उसके बाद से प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि 3 महीने तक प्रेगनेंसी समझ में नहीं आती है बहुत बार, तो अगर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रेगनेंसी समझ में आए तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर देखिए दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, अदरक है, ये सब चीजें जो है ना ये हीट का जनरेशन बढ़ाती है, शाहगंधा है जो हीट बढ़ाएगा, तो ये चांसेस है कि बॉडी के अंदर थोड़ा सा हीट कॉम्पेंसेशन हो जब प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि जो फिटस बनता है तो वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। होगा कुछ नहीं, बट लेना नहीं है, हम रिकमेंड नहीं करेंगे उस वक्त, तो जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होगी उस वक्त से बंद करना है। और डिलीवरी के कितने दिन बाद फिर ले सकते? जब फीडिंग बंद होगा कंप्लीटली, लगभग 1 साल तक तो फीड करते हैं, 1 साल या 12-13 महीने, 13-14 महीने, उसके बाद से ले सकते हैं, फीडिंग के तक भी हम नहीं देते। प्रीमियम के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो लैक्टेशन को प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज बहुत बार ये भी देखा गया है कि फीमेल्स को मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है, मिल्चिंग होती है, वो अच्छी तरीके से नहीं होती,
तब ये इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, प्रीमियम वहां पर काम करता है, बट स्टिल फॉर द प्रिकॉशनरी मेजर हम वहां पर रिकमेंड नहीं करते हैं। तो फीडिंग जब बंद होगी उसके बाद हम दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे महेश जॉन जाले सर। महेश सर, या गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली डायबिटिक केसेस में डॉक्टर बोलते हैं कि मतलब मिल्क लेना नहीं होता, तो ये प्रोडक्ट के साथ में अगर मतलब मिल्क का कॉम्बिनेशन वो कैसे काम करेगा? अगर मिल्क किसी को एलर्जिकल कंडीशन में काम करता है तो मिल्क स्किप करिए। वी आर नॉट फोर्सिंग टू यूज मिल्क। हमें गुनगुना पानी इंपॉर्टेंट है, पानी पीना चाहिए, दैट इज फॉर द सर्कुलेशन। हनी इसका बेस है तो थोड़ा सा चिकनाहट आपको लग सकती है, इसीलिए पानी पीना है। अगर आप नहीं पीते हैं तब भी दिक्कत नहीं है, आप जूस के साथ इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड है यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लिक्विड यूज ही नहीं करता तो डायरेक्टली प्रोडक्ट यूज करें, उसके बाद कोई चीज अगर ना ले तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर वंदना। गुड मॉर्निंग विनय सर। गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर वंदना आयुर्वेदा एमडी हूँ। yes, और मेरा ये फॉर्मुलेशन का ही सब्जेक्ट है। मेरा हाँ यही सब्जेक्ट है। तो मुझे आज ये पता चला कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डिसीज में आता है। तो ये अभी तक मेरा ये नहीं था कि ये सबको पता चला है कि टाइप 1 डायबिटीज हम सबको होने के चांसेस है, जो सिटिंग जिनका ज्यादा होता है। तो हम सब ने पहले ये यूज करना है सर। तो ये दूसरा कंफ्यूजन आपने जो बताया आर्थराइटिस पे जो साइलेंट किलर है, लेडीज में 90% लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है और इसपे ये बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमने जो प्रीमियम प्रोडक्ट है इसमें भस्माज यूज किए है, नैनो टेक्नोलॉजी वाला यूज किया हुआ है, और आपने जो इसके प्रोडक्ट यूज किए है लेकिन मेन इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए हुए हैं, जैसे ब्रेन पे ये रीजुनिवेशन का काम करेगा, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, और ये जो आपने बताया सर कि लिबिडो पे काम करता है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो वंध्यत्व है, नपुंसकत्व है, इसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब बच्चा न होना इसके ऊपर नहीं है, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर रहते हैं स्पेशली डायबिटिक पेशेंट पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया है। और जो प्रीमियम प्रोडक्ट है ये, इसमें जो आपने गिलोय यूज किया है, गुडुची यूज किया है, जो मीरे यूज किए है, मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोला तो, और अश्वगंधा का जो यूज किया हुआ है सर, मैं चाहूंगी कि मैं ये प्रोडक्ट सभी के लिए रिकमेंड करूंगी इनकी लैंग्वेज में। कॉमन जो लेमैन है इनकी लैंग्वेज में मैं बताना चाहूंगी सबको। और मैं कंटिन्यू ये सर, आपका जो प्रोडक्ट है हनी बेस है, जनरली हम इसमें खड़ी साखर यूज करते हैं और आपने इसमें हनी बेस किया हुआ है, तो ये डायबिटिक पेशेंट में 100% काम करेगा सर। और ये मेरा ही टॉपिक है तो मैं इसमें कंटिन्यू आपके साथ काम करना चाहूंगी सर। यस, थैंक यू सो मच मैम। मुझे आपकी तरफ का जो नॉलेज है, जो ब्लेसिंग से हमेशा लगेगी। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, प्रोफेसर हूँ और एमडी स्टूडेंट को मैं गाइड करती हूँ, और ये मेरा ही टॉपिक है तो मैं सर जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगी सर। आपसे मैं भी आपका स्टूडेंट रहूंगा मैम, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे जब भी समय लगेगा तब। हाँ सर, आपने बहुत अच्छा डिटेल्ड बताया है, फॉर्मुलेशन से जो कॉम्बिनेशन दिए है ये 100% रॉक करेगा सर, और ये धूम मचा देगा प्रोडक्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके सर। थैंक यू वंदना जी, मैंने बोला था कि ये टक्कर वाला प्रोडक्ट है, बीट भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेलगांव से मुबारक जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये हाई बीपी वाले को सूट करेगा क्या सर प्रोडक्ट? हाँ हाँ, दे सकते हैं सर, हायर ब्लड प्रेशर वाले को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, और कंट्रोल मैनर में, वो कंट्रोल मैनर में बीटिंग रहेगा और ब्लड का जो सर्कुलेशन रहेगा वो भी कंट्रोल मैनर में रहेगा। होता क्या है कि जब ब्लड वेसल्स हैं वो अगर चोक हो चुकी हैं या फिर उसकी प्लास्टिसिटी अगर कम हुई है ना, तब जाके ब्लड का प्रेशर वहां से बनता है और आगे शूट होता है। तो छोटे छोटे अगर स्टोन्स भी बने ना, कैल्शियम के हो सकते हैं, न्यूट्रासिटिकल के हो सकते हैं, या फिर ब्लड के क्लॉट्स भी अगर हैं छोटे छोटे, मैं बात करूंगा 5 mm से अगर कम है ना, तो ये प्रोडक्ट के रेगुलर बेसिस पे यूज अगर आप करोगे तो वो क्लॉट भी निकल जाएंगे और ब्लड वेसल की जो प्लास्टिसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी,
तो ब्लड प्रेशर के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हम अब तक मिले हैं, डेफिनेटली हम रिकमेंड कर सकते। और एक बात सर, जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को अभी डायबिटिक पेशेंट जो है ना ज्यादातर सिल्डानिफिल सिट्रेट यूज करते हैं कभी कभी, है ना, ये अपने इसके जी, जी जी तो इसका अभी नेक्स्ट जो वर्जन निकाला है टडालाफिल निकाला है, तो टडालाफिल यूज करते हैं सेफ माना जाता है, तो उनको उसमें रिजल्ट तुरंत मिलता है, बट इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा, तुरंत मिलेगा या कुछ देर यूज करने के बाद मिलेगा या कैसा रहेगा कैसा? यस देखिए, जब ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे ना, जैसे मैंने कहा कि आपको सलाइवा के साथ इसको रोल ऑन करना है, मूव करना है, मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका कन्वर्जन होकर सेल को मिलने के लिए 40 मिनट्स का ऑलमोस्ट समय लगता है टेंटेटिव। ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे सलाइवा के साथ, तो ये वाला हमारा जो हिस्सा होता है ना गट रीजन वाला, जहां से ब्रेन को ब्लड दिया जाता है और ब्रेन से हार्ट को ब्लड आता है, तो वो बहुत ज्यादा पंपिंग रेशो वहां पे होता है और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो सलाइवा के साथ वहां पे रखोगे तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होगा और 15 से 20 मिनट के अंदर एंटायर ब्लड के अंदर प्रोडक्ट जाएगा, पूरे बॉडी के अंदर उसका सर्कुलेशन अच्छे से होगा। तो अगर हम बात करेंगे इरेक्शन की या फिर सेक्सुअल अपीफमेंट की, विद इन हाफ आवर यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट इन दैट। चेंजेस पता चल जाएगा सर हाफ एन आवर के अंदर, मतलब जैसे जिस तरह से टडालाफिल, जिस तरह से सिल्डानिफिल मतलब आप यूज करते हैं, उसी तरह का रिजल्ट दिखाएगा सर आधे घंटे में, एक घंटे में, ऐसा कुछ ऐसा? उससे भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है और अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट उससे अच्छे तरीके से मिलेंगे, बिकॉज देखिए जो भी ड्रग आप यूज करेंगे ना उसके लिए पर्टिकुलरली, वो हैंगओवर का काम करेंगे, हेडेक का काम करेंगे, एसिडिक कंडीशन का बढ़ाने का काम करेंगे, टिंगलिंग हो सकता है, बॉडी एक हो सकती है, अपने प्रोडक्ट से ये कोई चीज आपको नहीं होगी। और जो साउंड स्लीप होती है ना आफ्टर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, साउंड स्लीप आपको ड्रग के जरिए नहीं मिलेगी कभी भी, जो यूज करते हैं उनका पूछ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की यूज करने के बाद आपको साउंड स्लिप डेफिनेटली मिलेगी जो नेक्स्ट रीजनरेशन का काम करेगी आपको नेक्स्ट डे। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट उससे बेहतर तरीके से काम करेगा पर्टिकुलर दैट पर्पस। अगर सर ये अगर उस तरह से काम करेगा, मतलब एक आधे घंटे में अगर ऐसा रिजल्ट निकालेगा तो ये बूम करेगा सर प्रोडक्ट डेफिनेटली, क्योंकि yes, आधे घंटे के अंदर आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई पर्सन क्रॉनिक डायबिटिक है, जो सपोज करिए 50 यूनिट डेली बेसिस पे इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बट डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से मिलेंगे। थैंक यू मुबारक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता सिंह जी। सुनीता सिंह, हाँ सर सुना, हेलो, हाँ बोलिए। यस मैम, ज्यादातर मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, जैसे डायबिटीज के ऊपर ही था। वन मिनट, ये फ्रंट का मेरा करना है इसको। सर मेरा कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा, मैं खाली जो क्वेश्चन है उस जरा सुन लीजिए। डायबिटीज के ऊपर ये जो मेरा मेन क्वेश्चन था, बहुत सारे आज हर घर में देखेंगे तो डायबिटीज का प्रॉब्लम है। अगर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं और जैसे हमने अभी जैसे उन्होंने कहा कि 6.2 लाइक 6:30, हर किसी को मतलब मालूम नहीं होता। अगर हमने दे दिया खाली फॉर उनको चेक करने के लिए कि देखिए आपको ये सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट या उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकेगी ना, वो पूछना था। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिकमेंड करने के टाइम पे इतना रिकमेंड करेगा, दैट इज वन पीनट साइज, उतना सफिशिएंट अमाउंट रहेगा इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। और हाँ, जो डायबिटिक है, जो एक्चुअल में डायबिटिक है, प्री डायबिटिक नहीं, एक्चुअल डायबिटिक है, उनके पास ये रिपोर्ट 100% रहेगी। और ये एग्रीगेट रिपोर्ट आती है, 3 महीने का जो समरी आती है उसके अंदर ये देखा जाता है कि HbA1c, और ये डिटरमिनेंट फैक्टर है, जैसा मैंने कहा कि शुगर लेवल कितनी है वो ज्यादा मायने रखती, बिकॉज अभी मैं बैठा हूँ, मुझे किसी ने अगर चौंका दिया तो मैं डर जाऊंगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर मेरी 600 तक जाएगी, फिर वापस आती है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर हीट शॉक मैकेनिज्म होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट मेरा HbA1c अगर 10 11 12 है और वो 300 चला जाएगा तो वो दिक्कत वाली बात है। तो जब भी रिकमेंड करेंगे हम उन्हीं लोगों को रिकमेंड करते हैं जो हमारे नजदीक के हैं, तो उनको डेफिनेटली ये रिकमेंड करिएगा कि पहले HbA1c जांच कर ले। अच्छा, हमें समझ तो आना चाहिए क्या है, बट डेफिनेटली अगर किसी को पता नहीं, आपने दे भी दिया और बाद में पता चले कि वो डायबिटिक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उनको वन पीनट साइज रिकमेंड करिएगा बस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी। नेक्स्ट राजेंद्र राय जी रायपुर से, MP। विनय सर गुड मॉर्निंग, रशीद सर गुड मॉर्निंग, एवरीवन गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल था कि आज के समय में सर बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन,
ये ब्लड सर्कुलेशन और उनका गाढ़ा होना अटैक, ये एक आम बीमारी की तरह हो गया है। मतलब ज्यादातर युवा पीढ़ी में इसका असर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो सर इसका कोई टाइम लिमिट है क्या कि वो कितने मंथ तक यूज करेगा तो उसको मतलब प्रॉब्लम से निजात मिलता है? देखिए, प्रोडक्ट यूज करने के एक महीने के भीतर ऑलमोस्ट इन अ मंथ आपको हर चीज के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हम आर्थराइटिस के लिए किसी को दिया है हमने, तो मेरा मानना है कि 8 दिन के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। बट हम ये कहेंगे कि 1 महीने के अंदर आपको हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। ये फीलिंग जरूर आएगी कि यू विल फील यूर फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। ये फीलिंग आपको विद इन अ मंथ 100% आएगी। सर उनको कंटिन्यू कितने मंथ तक करना पड़ेगा? मतलब 4 महीने तक तो हर किसी ने लेना चाहिए, फॉर 4 मंथ्स एवरीवन। अभी मैं पिछले 2.5 साल से रेगुलर लेता हूँ, सुबह शाम उठते बराबर और रात को सोने से पहले। तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी फुलफिल हो जाती है। बिकॉज मैं भी अभी इस फील्ड के अंदर से काम कर रहा हूँ, तो खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, तो बॉडी वैसे ही खराब होती जाएगी। तो ये प्रोडक्ट देने की वजह से मेरी बॉडी अंदर से खराब नहीं हो रही, तो मैं उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे लेना चाहिए, 4 महीने तो रेगुलर, उसके बाद थोड़ा सा अल्टरनेट आप ले सकते हैं। जी थैंक यू सर। थैंक यू राजेंद्र राय। नेक्स्ट हमारे शिकरापुर पूना से आदिनाथ बाग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब स्पेस में कर लगा हुआ है, उसको ये प्रोडक्ट चलेगा क्या? दे सकते हैं, यस, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे सेल को खाना दे रहे हैं ना, तो उसमें दिक्कत नहीं है। कंटेंट की पूरी पीडीएफ फाइल मैंने रशीद सर को भेजी हुई है, मैं एक बार भेजता हूँ और सर्कुलेट कर देना सर प्लीज। उसके अंदर हर इंग्रेडिएंट की इन्फॉर्मेशन दी है और साथ में लिंक्स दिए हैं। उस लिंक को क्लिक करोगे तो गूगल पेज ओपन होगा, वहां पे उसका रिसर्च आपको दिखेगा। तो हर सेल की नरिशमेंट के लिए हम दे रहे हैं, फॉर द नरिशमेंट ऑफ एवरी सेल, तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% दे सकते। थैंक यू। डॉक्टर जैनल आबिदीन का हाथ दोबारा ऊपर है। डॉक्टर जैनल सर, मुझे यही पूछना था, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए हुआ है इसका पेशेंट के लिए, कोई साइड इफेक्ट है क्या? एक नंबर। दो नंबर यह है कि मान लीजिए किसी बंदा को कोई भी ऑपरेशन हुआ, हॉस्पिटल से आज रिलीज हुआ है, तो कितने दिन के अंदर मैं ये प्रोडक्ट उसको दे सकता हूँ? यस, कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो दे सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल बताऊंगा, जब फ्रैक्चर अगर हुआ है और जब विंटर सीजन आता है तो जहां पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे पेन शुरू होता है। 10 साल के बाद हो, 5 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो, डेफिनेटली होता ही है, दैट इज अ साइड इफेक्ट। प्रोडक्ट यूज करना शुरू करने अगर वो पर्सन शुरू करता है तो जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कभी फ्रैक्चर हुआ है। तो इंटरनल हीलिंग मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है। तो जब कोई पर्सन एडमिट है और डिस्चार्ज मिला है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एडमिट डिस्चार्ज होने के 1 महीने के बाद देना है, 15 दिन के बाद देना है। डिस्चार्ज हो गया, घर पे खाना खाना वगैरह उन्होंने शुरू किया तो अपना प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। और कोई गैजेट बॉडी के अंदर लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पेसमेकर एंड ऑल दोस थिंग्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बार ऑपरेशन के अंदर रॉड्स लगाए जाते हैं, नट लगाए जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। नट में एक बात करता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, मेरे फैमिली के लिए ये एक एग्जांपल है। नट्स निकालने थे बट वो पेन होने थे, पेन हो रहे थे कुछ दिनों के बाद, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, पेन भी गायब हो गया, निकाल भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट न्यूट्रिशनिस्ट है शाजिया हाजी जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मीना सर, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुनते। जैसे मैं एक नेचुरोपैथ सर्टिफाइड नेचुरोपैथी हूँ, सो मेरे लिए कुछ और मुझे एक और चीज अच्छी मालूम पड़ी, क्योंकि पेसमेकर के लिए भी बहुत इफेक्टिव है आपका प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट। मेरे दो है, जैसे हैवी बॉडी रहती है, हैवी बॉडी रहती है और वो टाइट कंट्रोल नहीं कर पाते और उनको हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं, तो उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं और उनके क्या रिजल्ट आएगा? दे सकते हैं, यस। लॉजिकली बात करेंगे, अब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म अगर अच्छी तरीके से काम करने लगा ना, जो सूजन होते हैं ना, जिसे हम क्या कहेंगे, बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी बहुत अच्छी रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। तो इन्फ्लेमेशन दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन, या इन्फ्लेमेशन हर सेल के अंदर भी देखा जाता है, तो इन्फ्लेमेशन जहां भी रहेगा ना तो उसको भी ये कॉम्पेंसेट कर देगा और कम कर देगा। थैंक यू। और सर एक और है,
जैसे अपने कैल्शियम का कैल्सीटस यूज किया है इसमें, अगर किसी ने मतलब इसका थोड़ा ओवर द ए तो एक स्पून जरा भी दो स्पून ले दिया तो ज्यादा कैल्शियम लेते हैं तो किडनी स्टोन का भी इश्यू हो जाता है, अगर हैवी डोज में अगर ये ले लिया कैल्सीटस तो उसमें क्या है, उसका कैसे रिजल्ट होगा? ये एक प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट है, मुझे टेस्ट अच्छी लगी, मैंने 4-5 चम्मच एक साथ खा लिया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम उतनी मात्रा में बढ़ा, मेरी बॉडी की जरूरत कितनी है 10 ग्राम की या 2 ग्राम की, उतना ही लेगा बॉडी, बाकी बॉडी के बाहर 100% निकाल देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हर्बल आयुर्वेदिक कंटेंट। अगर हम आर्टिफिशियल कोई चीज ले रहे हैं तो हम बॉडी के अंदर ढकल रहे हैं, वो तो सैचुरेशन हो ही रहा है, उसके स्टोन बनते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। आप कितना भी प्रोडक्ट अगर गलती से किसी ने यूज किया, जो इकोनॉमिकल अगर हम बात करेंगे ना, अगर मेरी नीड एक चम्मच से फुलफिल हो रही है तो मुझे 10 चम्मच खाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा लगा, आपके पास बहुत पड़ा है तो खाते रहिए दिन भर, कोई दिक्कत नहीं, जितना लगेगा उतना ही लेगा बॉडी और बाकी बॉडी के बाहर निकाल देगा। नो सैचुरेशन, नो साइड इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास कुछ लिखा हुआ था कि कितना डोसेज में जा सकते हैं, यानी एक के बदले में अगर किसी ने 10 चम्मच भी ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इफेक्ट बॉडी को जो रिक्वायरमेंट था वो ही लेता है, बाकी वेस्ट है। राइट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कोल्हापुर से नितिन बोरलेकर सर, कोल्हापुर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर मेरा क्वेश्चन वही था इसमें करके जरे वो वाक सर ने पूछा तो आंसर मिल गया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट विकी पंचल। अनम्यूट कीजिए विकी पंचल। हेलो हेलो, यस हाँ, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत कुछ नॉलेज हमें मिला, उसके लिए थैंक यू। और एक क्वेश्चन पूछना था कि आपने अश्वगंधा का बताया, तो अश्वगंधा का जब आप बता रहे थे तो साइड में आपने बोला कि हम पेटेंटेड है, मतलब जो ओरिजिनल अश्वगंधा है वो ऐसे यूज किया है कि उसपे प्रोसेस करके उसमें यूज किया है प्रोडक्ट में हमारे? नहीं देखिए, जब हम एक्सट्रैक्शन देखते हैं ना तो एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं जिसका इफेक्ट किस तरीके से बॉडी के अंदर होता है वो चेक किया जाता है। अभी जो शाहगंधा हमने यूज किया है उसका जो क्लिनिकल ट्रायल्स उन्होंने देखा था तो उन्होंने 50 mg, 100 mg, 200 mg इस तरीके से कंट्रोल के साथ रखकर उसको यूज किया है, और तो ये पता चला कि 100 mg की इफिशियंसी बहुत ज्यादा है। हमने 200 mg भी यूज किया था, उसकी इफिशियंसी बहुत कम थी। तो अगर 100 mg से हम 100 अटेंड कर रहे हैं, 200 से हम 70 अटेंड कर रहे हैं, तो हम ज्यादा मात्रा में जाने के बजाय हम 100 mg का इस्तेमाल हमने इसके अंदर किया है। और एक्टिव बायोमोलिक्यूल का मतलब वही होता है कि जो एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म से निकले, तो अगर एक्सट्रैक्शन निकालना है तो एक्सट्रैक्शन के बेस्ट मेथोडोलॉजीज प्रेजेंट है आज जो हम यूज करते हैं इस प्रोडक्ट। और सर जो प्रोडक्ट है उस पे अदर कंटेंट ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, क्योंकि जब हम सामने वाले को बताएंगे तो अदर कंटेंट मतलब क्या बोलते हैं, इसमें केमिकल होगा हमारे पास ना, वी आर हैविंग क्लिनिकल लैबोरेटरिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द एनेबल एक्ट रिलेटेड लैब। एनेबल एक ऐसी लैब है जिसका बैक एंड डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि हमने ये प्रोसेस यूज की है, इस प्रोसेस को यूज करते हुए फॉर एग्जांपल हमने क्रोमेटोग्राफी की है, तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने ये केमिकल यूज किया था, इतने देर तक यूज किया, ये रिजल्ट हमें मिला, ये पूरा शो करना पड़ता है। और लगभग 45 दिन के बाद हमें वो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ जहां पे क्लियरली दिखा गया है नो सिल्डेनाफिल सिट्रेट, नो केमिकल, नो ड्रग, नो स्टेरॉइड, 100% सेफ। वो भी सर्टिफिकेट में सर को प्रोवाइड कर दूंगा सर, आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यानी कि ये 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक है? या राइट, नो केमिकल इन दिस। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे केरला से ग्रेट एडवोकेट लीडर जो अंडमान निकोबार आइलैंड का फाउंडर है, मंजुला मैडम। गुड मॉर्निंग सर, अभिनय जी आपका सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव थे, और आई पर्सनली एक्चुअली मेरे बच्चे के लिए मैं कुरकुमिन सेमी डायरेक्ट का कुरकुमिन देती थी, वो बहुत एक्चुअली उसका बॉडी बहुत वीक था, हर ही यूज टू हैव लॉट ऑफ इश्यूज, पर वही यूज करके वो जल्दी ठीक भी हो गया था, सो आई नो दैट इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट। मुझे यही क्वेश्चन था आपसे कि कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनका कीमोथेरेपी हो चुका है, तो ये रेकमेंड करके, जैसे कीमोथेरेपी को आप जानते हैं कि उसका बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर फॉल,
इंटरनल क्रैकिंग सब होता है, क्रैम्स होता है, खाना खा नहीं पाते वो लोग, तो क्या ये प्रोडक्ट यूज करके उनको जल्दी वन थिंग इज क्या वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं, इंटरनल हीलिंग जल्दी हो सकते हैं, और नंबर टू इज दैट जो कीमोथेरेपी अटेंड करने जा रहे हैं, अगर वो लोग कीमोथेरेपी अटेंड करने से पहले ही ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया तो क्या उन पर वो साइड इफेक्ट्स, मैंने वो जो ही क्रैकिंग या फिर क्रैम्स है, जितने भी साइड इफेक्ट्स है इसके, मैंने इट इज अ डेंजरस थिंग, कीमोथेरेपी इज द डेंजरस थिंग दैट कैंसर पेशेंट जो अटेंड करता है, तो पर कुछ कर नहीं सकते, उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि उतना इट इज कैंसरस. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो इज क्या वो प्रोडक्ट यूज करने से पहले, अगर कीमोथेरेपी से पहले यूज करेगा तो उसको मैंने थोड़ा रोकने का वो वॉल प्रोटेक्शन वॉल जैसा उनके बॉडी में वो काम करेगा कि नहीं. थैंक यू. यस, तो अभी ये दो चीजों के अंदर भी प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करता है. अगर कीमोथेरेपी हुई है तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जलन होती है, वेजिटेटिव सेल्स डिरप्चर होती है, वीकनेस ट्रिमेंडस होता है, वेट लॉस होता है, मसल क्रैम्प्स, मसल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं. और कैंसरस कंडीशन में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उनको खाना नहीं जाता जैसा आपने कहा, और सेकंड थिंग इज स्लीपलेसनेस, उनको नींद भी नहीं आती. तो अब तक जितने भी कैंसरस पेशेंट को ये प्रोडक्ट हमने दिया है, 8 दिन के अंदर उन्होंने खाना खाने के लिए कहा कि मुझे खाना चाहिए, आप खाना मुझे दीजिए, दे आर ईटिंग. एंड जिन्होंने कभी 6-6 महीने उनको अच्छी नींद नहीं आई है, वो 4-4 घंटे अच्छी नींद कर रहे हैं. तो अगर नींद अच्छी होने लगे और खाना अच्छा खाने लगे तो डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि बॉडी इज हीलिंग प्रॉपरली, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट इज प्रमोटिंग दैट वे. नेक्स्ट वन, ऐसे भी कुछ रिजल्ट्स हमारे पास है जिनको कीमोथेरेपी कहा गया था और ये प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से उनकी कीमोथेरेपी करने की जरूरत नहीं पड़ी, दे आर इन फर्स्ट स्टेज. अगर हम बात करेंगे कि कोई सेकेंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, पता चला थर्ड स्टेज के अंदर इन्फेक्शन काफी ज्यादा अमाउंट में फैला हुआ है, तो इन दैट कंडीशन ये अगर आप भी समझ सकती हैं कि इस कंडीशन में तो वही चीज है, रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो, बट प्रोडक्ट अलोंग विद द प्रोडक्ट अगर वो चीज करते हैं तो उसके जो साइड इफेक्ट बॉडी के अंदर होने वो होंगे नहीं. जो गुड रिजल्ट्स मिलने चाहिए कीमोथेरेपी के वो गुड रिजल्ट मिलेंगे, बट जो एडवर्स इफेक्ट मिलने चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे, इट विल बी कॉम्पेंसेटेड प्रोटेक्टेड बाय आवर प्रोडक्ट. तो डेफिनेटली प्रोडक्ट दे सकते हैं. और कैंसर के लिए एक सेशन हम लेंगे जहां पे हम थोरली 1.5 आवर कैंसर के बारे में बात करेंगे, हाउ कैंसर इज स्प्रेडिंग इन बॉडी, व्हाट कैंसर इज एक्चुअली, और प्रोडक्ट के अंदर क्या खूबियां हैं जो किस तरीके से काम करेंगे, बॉडी बाय डिफॉल्ट क्या काम करेगी और प्रोडक्ट बॉडी के उस हिस्से को किस तरीके से प्रमोट करेगा. तो थोरली 1.5 आवर का सेशन रहेगा, कैंसर के ऊपर भी बात करेंगे. एक्चुअली हम लोगों को चाहिए क्योंकि आई थिंक केरला इज द लार्जेस्ट कैंसर पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोबेबली, एंड द हाईएस्ट कैंसर पेशेंट्स आर इन केरला ओनली. इसके अंदर कोरियन रेड जिनसेंग है जो काम करेगा, शाहगंधा एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, टर्मरिक एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, कुर्कुमिन सी3 कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, उसके बाद इलायची का जो हमने इसके अंदर यूज किया है वो भी, जिंजर भी, बायोपेरिन जब बॉडी के अंदर आएगा तो वो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा तो एंटी कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा. नेक्स्ट पीएच बैलेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्कलाइन, पीएच बैलेंस्ड अगर हो गया, अल्कलाइन ब्लड का पीएच अगर अल्कलाइन हो गया स्लाइटली भी तो कोई भी कैंसर सेल्स वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी. तो हम दो तरीके से काम करेंगे, एक तो हम एंटी कैंसर मॉलिक्यूल आपकी बॉडी को दे रहे हैं, सेकेंड कैंसर सेल्स को रप्चर करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी का मैकेनिज्म जो चलता है उस मैकेनिज्म को एनहांस करेंगे सेकंड वे, एंड थर्ड वे इज बाय अल्कलाइनिंग योर बॉडी, योर ब्लड पर्टिकुलरली. अगर वो चीज अगर होती है तो डेफिनेटली कैंसर सेल्स वहां ग्रोथ नहीं कर पाएंगे. तो 3-4 अलग अलग तरीकों से हम कैंसर को फाइट करेंगे, वो सेशन में हम देखेंगे. थैंक यू वेरी मच मंजुला मैडम. अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग सवाल पूछ रहे ट्राई टू कीप इट क्रिस्प, 30 सेकंड्स के अंदर सवाल आपका टू द पॉइंट आना चाहिए क्योंकि काफी सारे हैंड रेज है और टाइम भी काफी जा रहा है. विनय सर का बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आगे भी कुछ मीटिंग्स है, तो ट्राई एंड कीप इट टू द पॉइंट, 30 सेकंड्स के अंदर आप लोग सवाल पूछने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट फ्रॉम केरला ग्रेट लीडर बिजू नायर सर. बिजू नायर सर, गुड मॉर्निंग. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये प्रोडक्ट हम कोई अल्कोहलिक पर्सन को, आवाज आ रहे हैं ना सर? यस यस यस, अल्कोहलिक पर्सन को. हाँ मेरा आवाज आ रहा है ना आपको? यस. ये अगर रेकमेंड करो और दोबारा वो अल्कोहल लिया तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? अल्कोहलिक पर्सन अगर पिया, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ,
अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के इफेक्ट नहीं मिलेंगे आप, है ना। प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आप और दो घंटे के भीतर आप अल्कोहलिज्म कर रहे हैं तो इसके इफेक्ट आपको जो मिलने चाहे वो नहीं मिलेंगे, 0% तो नहीं बट 10-15-20% 25% तक मिलेंगे। इट इज नॉट गोइंग टू अटेंड दैट लेवल जो प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने चाहिए। तो 2-2.5 घंटे का गैप होना चाहिए अल्कोहलिज्म एंड प्रोडक्ट के इस्तेमाल में, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और देखिए टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए एसिडिक कंडीशन बॉडी की बढ़ती है नेचुरल तरीके से भी, हीट बढ़ती है, अल्कोहलिज्म के अंदर इटसेल्फ इट इज एसिड, तो वो एसिड तो ऑलरेडी बढ़ा ही रहा है आपकी बॉडी के अंदर, तो एसिडिक कंडीशन थोड़ी सी बढ़ेगी। बट प्रोडक्ट अगर रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे आप विद इन अ मंथ, आपको एसिडिक कंडीशन के अंदर कॉम्पेंसेशन मिलेगा। उसके बाद अल्कोहलिज्म की जो एसिडिक कंडीशन है उतनी सेवियर नहीं होगी जितनी आज की रेट में है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट यूज करते करते अल्कोहलिज्म में हम करते जाए, उतने साइड इफेक्ट नहीं मिलेंगे, बट डेफिनेटली जो उसके साइड इफेक्ट है वो तो बॉडी के अंदर होंगे। थैंक यू विनय सर, मैंने बहुत सारे सवाल लिखे थे उसमें से जैसे जैसे लोगों का सवाल आ रहा है ऑलमोस्ट सब क्लियर होते जा रहा है। ये लिकर का भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है, ओके थैंक यू बिजू सर। नेक्स्ट रविंद्र शिवडे सर फ्रॉम नासिक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये था सर, कोई पेशेंट होता है जो 10-10, 12-12 दवाई एक टाइम में यूज करता है, तो क्या ऐसे पेशेंट ने ये आधा चम्मच यूज करना है कि एक चम्मच? क्या कहा गया आपने क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया। 10-12 घंटा जैसे कोई पेशेंट होता है 10-10, 12-12 गोलियां एक टाइम में यूज करते हैं, तो ऐसे पेशेंट यूज करना चाहिए? हाँ टैबलेट यूज करते हैं। हाँ हाँ यू कैन यूज, आप ये प्रोडक्ट आपके किसी भी मेडिकेशन के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत okay. नहीं है अगर आप 10-10 गोलियां ले रहे। म्यूट पे गए विनय सर, म्यूट पे गए विनय सर, म्यूट पे चले गए। हाँ ओके okay. तो थैंक यू। गोलियां आप यूज करते हैं तो 2 गोलियों के बीच में 5-7 मिनट का गैप डेफिनेटली बना के रखिएगा, ये एक जनरल सजेशन रहेगा सभी लोगों को, तब जाके बॉडी के अंदर उसके इफेक्ट मिलेंगे। अगर आप 2-4 गोलियां एक साथ ले रहे हैं ना 2-2 मिनट 1-1 मिनट के बाद, तो उसका कॉम्बिनेशन अलग तरीके से होता है बिकॉज दीज आर दी केमिकल्स, तो उसके अंदर 5-7 मिनट का गैप 100% रहना चाहिए। कोल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो बॉडी के अंदर जल्दी डिग्रेड नहीं होगा वो केमिकल। ल्यूकवॉर्म वाटर चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए, जब गोलियां लोगे तब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होगा, बिकॉज गोलियों के अंदर का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है और बाकी मैन्युफैक्चरर की स्किल होती है वो कब डिग्रेड होना चाहिए, कब बॉडी के अंदर जाके बर्स्ट होना चाहिए, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्बेंस वो जब चीजें बताते हैं, तो इतना गैप होना चाहिए। और यस डेफिनेटली 5-10 मिनट के गैप के भीतर आप अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट केरला से रतीश। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन यही थी, बहुत साल से जो हाई प्रेशर के लिए जो दवाई लेते हैं इंग्लिश दवाई, उनको एक प्रोडक्ट दे सकते हैं और देगा तो भी कितना महीना तक देना पड़ता है, कैसा कंटिन्यू करना है? दे सकते हैं प्रोडक्ट, रेगुलर बेसिस पे दीजिए उनको। अगर क्रॉनिक कंडीशन के लिए दे रहे हैं तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। जनरल वेलबींग की अगर बात करें एज लाइक रशीद सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस पे 4 महीने अगर वो लें तो बॉडी बहुत अच्छी तरीके से प्रिवेंटिव मेजर में काम करेगी। उसके बाद अल्टरनेट ले सकते हैं। कोई पर्सन अगर पर्टिकुलर अथॉरिटी से है और क्रॉनिक है 10-12 साल 15 साल से है, तो थोड़ा सा समय उनको ज्यादा लगेगा करने के लिए, रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत। बहुत सारे सवाल थोड़ा रिपीटेड लग रहे मुझे, तो मेरा एक ये है कि इस ये समझ के लेना कि ये एक न्यूट्रिशन है, सुपर न्यूट्रिशन फूड है, तो एक नेचुरल फूड है ये, तो जो भी आप लोगों का साइड में बीमारी या दवाई वगैरह चल रहा है उस सब चीज में ये अलाउड है, क्योंकि इसका 0 साइड इफेक्ट है, 100% नेचुरल है, ठीक है। तो बहुत सारा सवाल रिपीटेड लग रहा है मुझे, तो आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट सुरेश घाटे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विनय सर। अच्छा, ये डायलिसिस चालू है वो पेशेंट को हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं कर सकते डायलिसिस के अंदर। डायलिसिस के अंदर 90% लगभग किडनी खराब होती है और उसके अंदर सैचुरेशन ज्यादा होता है, बाहर से सर्कुलेशन करके बॉडी के अंदर लाया जाता है। और प्रोडक्ट इज नॉट अ पेस्ट, ये एक फिजिकल ब्लाइंड है, फिजिकल ब्लाइंडेड है, तो बॉडी के अंदर उनके सैचुरेशन पहले से ही है, तो होगा कुछ नहीं। बट सैचुरेशन के अंदर अगर सर्कुलेशन में दिक्कत आ गई तो और क्रॉनिक कंडीशन आ सकती है, इसीलिए हम डायलिसिस के अंदर प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे। ओके थैंक यू सर। तो डायलिसिस में रिकमेंडेड नहीं है? नहीं। हाँ बिल्कुल सर। ओके, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखने जाएंगे तो किन लोगों को रिकमेंडेड नहीं है वो पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले डायलिसिस,
डायलिसिस को नहीं देना है. नेक्स्ट वन प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है. थर्ड वन जब फीडिंग शुरू रहती है फीडिंग के वक्त नहीं देना है. और लास्ट वन जब पीरियड्स रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त हमें देना नहीं है. बाकी दे सकते ये चार छोड़ के सब दे सकते बिल्कुल. लोगों का सब इधर सवाल उसमें आंसर हो जाएगा. ये चार केसेस को छोड़ के सभी लोगों को दे सकते हैं इन शॉर्ट. ठीक है एनीवे फिर भी लोगों को कुछ सवाल है तो नेक्स्ट कोल्हापुर से आर्या नायक मैडम. गुड मॉर्निंग सर. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है सच में मतलब बहुत सारी चीजें तो हमने नेचुरोपैथ में सीखी हुई है. सच में लोग अभी सुबह अटक गया है तो सारी जो चीजें हैं जिससे नेचर से कनेक्ट हो सके वो फॉलो करना ही चाहिए. मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि कभी कभी क्या रहता है ना कुछ आयुर्वेदिक के इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसकी भी एलर्जी रहती है किसी को या फिर प्रोडक्ट जब हम लेना. शुरुआत में डिटॉक्सिफाई करने लगते हैं या जो भी तो ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं क्या उसमें मतलब हेड हेवी होना या वोमिट जैसा होना ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं क्या. देखिए अभी नाइट्रस ऑक्साइड का एलिवेशन लेना है. ओके नाइट्रस ऑक्साइड के एलिवेशन बॉडी के अंदर अगर होता है तो डेफिनेटली एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी. हार्ट बीट बढ़ेगी. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा. बॉडी की एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी. ये नेचुरल तरीके से भी बढ़ती है तो डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट उनके ऊपर काम करता है तो बढ़ेगा ही. बट वो ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ेगा जो आपको इफेक्ट हो. जो लोग एसिडिटी जिनको है उनको थोड़ा सा भारीपन हो सकता है बिकॉज एसिडिटी के साइड इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट 700 से भी ज्यादा उसके साइड इफेक्ट है एसिडिटी के. तो हमें तो सिर्फ 3-4 पता है. हेडेक होना, सीने में जलन होना, वोमिटिंग होना, बहुत लोगों को स्किन रैशनेस होती है, रेडनेस होता है, आंखें लाल होती है. तो इसके 700 से भी ज्यादा प्रकार. अगर आपको इन में से कोई भी अगर दिक्कत होती है तो प्रोडक्ट यूज करने के पहले एंटी एसिड ले सकते हैं. कोई भी एंटी एसिड लेके 10 मिनट बाद प्रोडक्ट लीजिए आपको ये दिक्कत नहीं होगी. थैंक यू. नेक्स्ट ज्योति मैडम. गुड मॉर्निंग विनय सर. सेशन तो बहुत अच्छा था. जो भी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज किए हैं वो भी नॉलेजेबल है बहुत ज्यादा. सर मेरा क्वेश्चन ये है जैसे अभी सभी को एज वाइज एक फूड सप्लीमेंट की तरह हम लोग इसे प्रमोट कर सकते हैं क्या बिकॉज इसमें जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स यूज किए इंग्रेडिएंट्स है तो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट जो लेते हैं ना एक्स्ट्रास तो उस तरीके से हम लोग ये दे सकते हैं क्या. दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन. और सेकेंड थिंग ये है कि जैसे अभी ई वैटरन के साथ जब भी हम लोग जुड़े हैं तब हम लोग मैट अपना जो मैट्रेसेस मैट है मैग्नेटिक तो मैग्नेटिक के बारे में बहुत ज्यादा हम लोग साइंटिफिकली उन लोग को बता रहे कि वो क्या लेवल तक जा रहा है. जैसे हम लोग का एनर्जी वाटर एनर्जी पैड है वो डेफिनेटली अभी काम कर रहा है. तो अगर ये मैट का भी अगर अभी हम लोग सबके पास जाएंगे प्रमोट करने तो वो लोग वही बोलेंगे कि तुम लोग के पास ऑलरेडी मैट का ये सारे चीजें हैं तो ये एडिशनल बेसिस पे कुछ ओवर डोसेज या ओवर कुछ ऐसे तो नहीं इफेक्ट होगा ना. वो एक क्वेश्चन है बिकॉज प्रमोशन के टाइम पे वो लोग हम लोग को जरूर पूछेंगे कि ऑलरेडी तुम ये सब बातें इसी में कवर हो रहे. अदर एक पार्ट छोड़े तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपने बताया आयुर्वेदा को मिलके तो वो डेफिनेटली एज अ बॉडी के लिए एनर्जेटिक है फूड सप्लीमेंट की तरह काम कर सकता है. सो ये प्रमोशन किस तरीके से हम कर सकते हैं. थैंक यू सर. या देखिए सर्कुलेशन एक पार्ट अलग है. जैसे हम कहेंगे कि मैग्नेटिज्म उसका एक ऑरा होता है जो वाइब्रेशंस के हिसाब से काम करती है और जिस तरीके के वाइब्रेशंस हमारे बॉडी के अंदर आएंगी उस तरीके से इम्पल्सेस हमारी काम करती है. जैसा हम अब तक कहते आए हैं कि ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजन. बट जो हीलिंग प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर है अगर मैं ये मान के चलूँ कि हमारे बॉडी के अंदर एक गैरेज है और एक गाड़ी खराब हुई है तो उसको रिपेयर करना है और उसे स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है उस नट को टाइट करने के लिए निकालने के लिए और हम उसको किसी भी तरीके का टूल नहीं हाथ में दे रहे हैं तो वो काम नहीं कर पाएगा. अगर हमने उसको पाना दे दिया खाथोड़ा दे दिया तो भी वो काम नहीं करेगा. वो टूट जाएगा बट काम नहीं करेगा. उसको स्क्रू ड्राइवर ही चाहिए. तो हीलिंग प्रोसेस को या फिर बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन वो हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी बॉडी अंदर से अच्छी तरीके से नरिशमेंट की जाए. जैसे हम खाना खाते हैं हम ये तो नहीं कहते हैं कि मैट्रेस यूज करने के बाद खाना खाना छोड़ना चाहिए है ना. तो खाना जो काम करता है वो काम करेगा वरेज मोर पावर और मैग्नेटिज्म का जो काम कर रहा है वो हमारे मैट्रेस करेगा. तो अब तक तो हमने आपको एक्सटर्नल फीचर दिए थे आपके बॉडी को अलाइन करने के लिए.
अब कॉम्बिनेशन के साथ हम आपको इंटरनल ऐसे इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को 100% फुलफिल करेगा। तो जो पहले से आपको बेहतर महसूस हो रहा था बाय यूटिलाइजिंग द मैट्रिक्स, अभी अंदर से आपको इतना ज्यादा तंदुरुस्ती मिलेगी क्योंकि आपकी हर सेल उतनी ताकतवर बनेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डेडली कॉम्बिनेशन रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग अपना बायोटोरियम के डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट केरला से ग्रेट लीडर नौशाद भाई। नौशाद भाई केरला, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सुन रहे हाँ, हेलो सुन रहे हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ ओके सर, मेरा सवाल यही था, ये बच्चा फायदा के लिए ये बैंक का ये काउंटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है ना, ये वो ये हमारा ये प्रोडक्ट यूज करेगा तो काउंटिंग के बारे सही आ सकता है। यस यस, काउंट भी बढ़ेगा, मोटिलिटी बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। जो स्पाइरुला जो होता है जहाँ पे हेड अच्छी तरीके से नहीं बनता है, टेल शॉर्ट बनती है, हेड स्प्लिटिंग होता है, तो उसके अंदर भी काम करेगा। और जितने भी डिफिशेंसीज है ना फॉर सेक्सुअल अपीयरमेंट, जितने भी डिसेबिलिटीज हैं सभी के अंदर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओ यही जी का प्रॉब्लम नहीं है ना, 43-45 तरह कुछ मुश्किल नहीं है ना। आई कैन अंडरस्टैंड, कैन नॉट, एज का कोई इशू नहीं है। इमेजिनेशन लेवल बियॉन्ड कंट्रोलिंग लेवल, बट व्हेन आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू यूटिलाइज बाय दैट पर्सन इट इज 100% इन कंट्रोल मैनर, नो वरीज। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। या नेक्स्ट रजनी खांडेलवाल मैडम जमशेदपुर। हनी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि किसी को पथरी में वो ब्लेडर में पथरी हो उसके लिए। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं है मैम। ब्लेडर स्टोन, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, हाँ 5-7 mm तक अगर है तो दे सकते हैं, उससे ज्यादा अगर है तो फिर रिकमेंड नहीं करते, दिक्कत भरा होगा ज्यादा मात्रा में। वो स्टोन अगर है ना तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे 100%। इस बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर इसके कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास अगर मिल जाए सर के माध्यम से तो एक बार चेक करके मैं बता पाऊंगा कि क्या दिक्कत। सर बुजुर्ग लोगों को दे सकते हैं? कौन से एजेड, एजेड पीपल, बुजुर्ग, या दे सकते हैं, यस डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू। ये न्यूट्रिशन समझ लो, ये न्यूट्रिशन है, अच्छा आप लोग बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डाल रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट द्रविड सर, अडी द्रविड, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं थाने से बात कर रहा हूँ सर। सर मेरा दो सवाल है, एक सवाल है ऐसे कि मेरा भाई है 53 years है और पिछले 14 साल पहले उनका पैरलिस हुआ था, तो ये पैरलिस में किस तरीके से काम कर सकता है, वो बात करने पा रहा है ओके, और ये 1 साल पैरलिस है। और दूसरा सवाल है, मेरा का सिस्टर है 45 years है, अभी पिछले 25 साल से उनका आँख का रोशनी चला गया अचानक, 12 साल में उनका आँख का रोशनी चला गया, इस डोज से उनका क्या बेनिफिट होगा, बस एक्सीडेंटल केस भी अगर होगा ना, सपोज एक्सीडेंट हुआ है, आर्टिफिशियल कोई चीज बॉडी के अंदर अगर होती है तो उसे किसी भी डॉक्टर के जरिए बता पाना मुश्किल है कि क्या हो रहा है। जो रिपोर्ट आएंगे उस रिपोर्ट के अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं, समझ पाते हैं कि क्या हुआ, बट एक्चुअली द थिंग इज अनदर, है ना। तो ट्रायल रिव्यूज के हिसाब से हम दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोगों का ये हो गया है, कुछ रिपीटेड लोग हैं, लेकिन बेसिक सवाल जो है जैसे कि मैंने रिपीटेडली बोला, न्यूट्रिशन है ये बॉडी के लिए अच्छा है, जो नहीं यूज करना है
डायलिसिस, प्रेगनेंसी और फीडिंग मदर्स और पीरियड के टाइम पे, ठीक है? बाकी सब लोगों को यूज करना है। तो रिपीटेडली जो क्वेश्चन आ रहे आप लोग उसको अवॉइड कीजिए, सभी लोगों को यूज कर सकते हैं। अरे तो नेक्स्ट संदीप वैद्या सर। हेलो। यस यस सर। गुड मॉर्निंग सर। एक केस ऐसा है, मेरे फ्रेंड्स का फ्रेंड है, उसका 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है और ही वाज हॉस्पिटलाइज, मतलब ब्रेन में कुछ क्लॉटिंग हुआ था और उसको बाद में डॉक्टर ने ये किया कि वो आप घर पे ही इलाज कर लो। अभी उसका लेकिन थोड़ा मूवमेंट है, बॉडी पार्ट का पूरा मूवमेंट है और वो एक महीने भर से मतलब उसका जो क्लॉटिंग था कुछ भी उसका वो, मतलब ही वॉज इन कोमा, लेकिन अभी उसका मूवमेंट है और वो देख सकता है, बात सुन सकता है और बॉडी पार्ट का मूवमेंट है, तो उसको रेकमेंड कर सकते हैं क्या? ये सर कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, ब्लड जब क्लॉट होता है ना तो हमारा ब्रेन वाला जो हिस्सा है वो बहुत हार्ड होता है, वो मूव नहीं कर पाए। जो हमारा ब्रेन है वो छोटा फ्रेजाइल होता है, दैट इज फॉर्मड बाय द क्लॉट। तो जब ब्लड के क्लॉट्स होते हैं वो सीमेंट के जैसे हेवी होते हैं और जिस हिस्से में वो होते हैं उस हिस्से का ब्रेन को वो पिंच करते हैं, दबा देते हैं अंदर, ताकि वो अलग जगह नहीं मिलती वहां पे। तो इसीलिए ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद करता है। अगर क्लॉट निकाल दे और ब्रेन फिर से अपनी स्थिति में आ जाएगा तो वो वर्किंग चालू होगा, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड थोड़ा सा स्लाइटली मूवमेंट है तो अपन रेकमेंड डेफिनेटली कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस यस यस। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। नेक्स्ट पूनम तिवारी जी। पूनम जी अनम्यूट कीजिए। मॉर्निंग विनय सर। मॉर्निंग मैम। म्यूट पे चले गए आप। लास्ट 2 क्वेश्चंस लेंगे हम लोग पूनम जी के बाद। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस। हाँ, जो ड्राई फ्रूट एलर्जी है वो ले सकते हैं? एलर्जी के अंदर तो देखिए जो सर्वे हुआ था, जो रिसर्च हमने किया था, एलर्जी के लिए एक इम्यूनोग्लोबुलिन काम करता और उसका नाम है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, और उसका जो फोर्थ 4 वेरिएंट है, उसका जो फोर्थ वेरिएंट है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एलर्जी। तो रिसर्च के दौरान ये हमें पता चला कि उस फोर्थ वाले रीजन के अंदर भी हमारा प्रोडक्ट काम करता है। तो ये कहा जा सकता है कि एलर्जी के अंदर काम करेगा, बट अगेन जो ये आइदर ऑरल क्वेश्चन है ना, तो इसको पोटेंटली जवाब नहीं दे पाएंगे हम। अगेन सिंपल ट्रायल एंड एरर बेसिस पर आप दे सकते हैं। यस ओके। कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनके डस्ट एलर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, अस्थमा था खत्म हो चुका है, कोल्ड रिलेटेड एलर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, तो इस प्रकार से भी देखा जा सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट अबुल हुसैन असम से। सलाम सर। सलाम बोलिए सर। सर मेरा सवाल ये है, किसी के अगर बोन फ्रैक्चर है, उसका सर्जरी करके एक्सटर्नल नेल लगा हुआ है, इसके लिए कोई फायदा होगा क्या? ये बताना मुश्किल है ना सर, क्या एक्चुअली उनको अभी दिक्कत क्या है, क्या तकलीफ है? देखिए जब ग्राफ्टिंग होता है या फिर कोई ऐसी चीज होती है जो आर्टिफिशियल हुई है, तो उसके बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो समझ पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। हाँ जनरल वो अगर ये तभी होता है, ये ग्राफ्टिंग तभी हो जाएगी जब ब्लड सुटेबल हो, एक्सेप्टेबल बॉडी ने उसे अगर किया है तभी वो स्मूथली काम करेगा। अगर वो स्मूथली काम कर रहा है तो डेफिनेटली वर्किंग अच्छी तरीके से करेगा। थैंक यू। नेक्स्ट पूर्णिमा दैपोड़े जी। हाँ थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम लोगों को 2 टाइप का ये जो प्रोडक्ट है लॉन्च हुआ है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, तो ये दोनों में क्या डिफरेंट होगा सर, और ये किसको रिकमेंड करना है, प्रीमियम और किसको स्टैंडर्ड, उसमें कुछ अगर सर डिफरेंट बता देते तो थोड़ा हम लोगों को भी रिकमेंड करने के लिए अच्छा हो जाता था। रेगुलर प्रोडक्ट और प्रीमियम के अंदर सिर्फ 8 इंग्रेडिएंट का डिफरेंस है, बाकी सब इंग्रेडिएंट सिमिलर है। प्रीमियम अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर 2 ऐड किए हैं और 6 पैटेंटेड इंग्रेडिएंट, ऐसे 8 इंग्रेडिएंट उसके अंदर एक्स्ट्रा है, और रेगुलर के अंदर ये 8 इंग्रेडिएंट नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज सिमिलर। बट अगर हम ये इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो ये जो रिजल्ट रेगुलर के मिलेंगे उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट हमें प्रीमियम के, तो आइदर और कंडीशन है कोई भी यूज कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर।
सर और एक क्वेश्चन है, जैसे मेनोपॉज का टाइम होता है लेडीज का, उस टाइम पे उनको थोड़ा सा हैवी ब्लड फ्लो या फिर और कोई इश्यूज होते हैं, तो उसमें अपना ये प्रोडक्ट अच्छा रिजल्ट दे सकता है? बहुत बार हमने ये देखा है, और पीसीओज हो या पीसीओडीज हो, उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और पोस्ट जो मेनोपॉज होता है उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बिकॉज मेनोपॉज के टाइम पे अभी तक तो हमने कुछ रिजल्ट इसके आए नहीं है या फिर पता नहीं चला है, बट पोस्ट मेनोपॉज जो क्रैम्प्स होते हैं, जो बॉडी के अलाइनमेंट होती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से गवर्न करने का काम करता है, और डेफिनेटली आप 45-50 के अराउंड जो होता है हम दे सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे मेनोपॉज के अंदर। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट नाफिल सीपी। नाफिल सीपी, हेलो हेलो यस सर। हेलो सर। सर मेरा दोस्त है, वो किडनी चेंज किया, 8 साल हो गया उसको, अभी थायराइड है और बीपी है, उसको दे सकते हैं? हाँ, थायराइड के लिए भी दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी दे सकते हैं। देखिए थायराइड के अंदर T3, T4 एंड TSH, ये तीन टर्मिनोलॉजीज है। T3, T4 के अंदर अगर फ्लक्चुएशन दिख रहा है रिपोर्ट के अंदर, तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट मिलेंगे उसके अंदर टेंटेटिवली। अगर TSH के अंदर अगर हमें डिफरेंस मिलता है, दैट इज अ हार्मोन, तो हार्मोनल को जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, बट डेफिनेटली थायराइड के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट जगजीत सिंह जी, दिल्ली से। सर गुड मॉर्निंग, विनय सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जानना चाहता था कि जो थायराइड है, जो लंबे टाइम से किसी को प्रॉब्लम है थायराइड या बीपी की, और वो मेडिसिन ले रहे हैं डेली, मोर देन 30 इयर्स हो चुके हैं, तो उसपे कितनी जल्दी इफेक्ट करेगा? देखिए ये प्रोडक्ट जो है ये सेल रिस्टोरेशन थ्योरी के हिसाब से काम करता है। सेल की बेसिक फंक्शनिंग जो बाय बोन थी, उस वाली फंक्शनिंग को ये रिस्टोर करने का काम करेगा बेहतरीन तरीके से। फिर से बॉडी टू बॉडी डिफरेंस आएगा। क्रॉनिक कंडीशन अगर है, तो इसका मतलब कि उनकी सेल की फंक्शनिंग कंप्लीटली लॉस हो चुकी है, तो उसको ओवरकम होने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो प्रयास तो यही रहा हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे की एलोपैथिक की इंडिपेंडेंसी हमारी हो, वही हमारा मोटो था। तो सेल रिस्टोरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। 4 महीने के भीतर, अगर आप जैसा कहते कह रहे हैं कि 20-25 साल से वो टैबलेट ले रहे हैं, तो 4 महीने के भीतर वो टैबलेट की जो ड्यूरेशन या फिर जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। जो सपोज आप 100 mg ले रहे हैं, तो वो 700-800 mg तक कम होगा, तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। ठीक है, बिफोर वी वाइंड अप, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर वंदना जी। सर मैं फिर से एक बार पूछना चाहती हूँ, जो कॉमन लेमैन है प्रीमियम प्रोडक्ट लेके जाएगा, तो उसमें लिखा होगा कि भस्मास इसमें है, कैन यू हियर मी सर? हाँ, तो इसमें कितना परसेंटेज है और इसका किडनी पे क्या असर करेगा? क्योंकि कुछ एलोपैथी डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए है, तो वो पूछेंगे ये सवाल, और कॉमन मैन भी पूछता है कि क्योंकि मेटल्स इसमें थोड़ा आ रहा है, तो मेटल्स का किडनी पे क्या असर करेगा, इसके लिए हमें क्या बोलना चाहिए लोगों को? देखिए प्लांट ओरिजिनेटेड कंटेंट है, इसका मतलब हैवी मेटल्स 100% है। आप स्पिनाच खा रहे हैं घर पे, रोज स्पिनाच खा रहे हैं, तो हैवी मेटल कंटेंट बढ़ेगा। बराबर, फॉर्मेशन हमने बनाया तब, थ्रेशोल्ड लेवल जिसे कहते हैं ना, कि मान के चलिए 5 जो लेवल है 5 का, वो थ्रेशोल्ड है, उस पर अगर चला गया तो वो हमारे लिए सेवियर या फिर डेंजर हो सकता है। 5 के नीचे है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 रहा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट अगर किसी ने एक पूरी बड़ी बोतल एक साथ भी खा ली ना, तो वो 2 से ऊपर नहीं जाएगा। जहां थ्रेशोल्ड लेवल 5 है, वो 2 को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो हेवी मेटल का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये एंटी एजिंग के भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें सेबेरी भी है, और ये जो दोनों भस्मा हमने यूज किया है मेंटल हेल्थ के लिए और एजिंग के लिए, बहुत अच्छा काम करेगा सर। Yes, correct.